My name is H.S. Oberoi. I am working presently as S.C. Khanna. I have around 27 years of experience with PSPCL. I did my graduation from Punjab Engineering College in 1993 and later on I joined PSPCL in 96 as AE. During my 27 years of experience, I have served in P&M organization, in protection wing, then mainly in distribution wing. तो आज का जिहड़ा साडा क्लास है दैट इज़ मेनली ऑन सैक्शन 126 एंड 127 ऑफ इंडियन इलैक्सिटी एक्ट. तुसी बस इत्थे ध्यान नाल देखना जो मैं समझा रहा, बाकी इस तो बाद तुसी ड्यूरिंग टी ब्रेक च ना अपने मैं मेल आई डीज़ दे दौ. आई विल सेंड माई लैक्चर ऑन योर मेल लेटर ऑन. सो नाउ इंडियन इलैक्सिटी एक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंट इन वे बैक इन 1910 1910 च आया, फिर 1948 च आया, तो फाइनली नाउ इंडियन इलैक्सिटी एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड एंड इट हैज़ कम इन 2003. एज ऑल ऑफ यू नो एक्ट किस तरह बनता है, व्हेन इट इज़ पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देन इट इज़ साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अवर 2003 एक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंट इन 2003. इस तो पहला की सीगा इलैक्सिटी काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी सीगी. फॉर एग्जाम्पल जेडे 2003 तो पहला PSPCL चे या किसी भी बोर्ड चे वो तुसी देखा होगा कोई बंदा थैफ्ट करता सी, कोई चोरी करता सी, उनु सिंपली 500 रुपये या 750 रुपये पर किलोवाट पा के उनु जुर्माना पाता जाता सी. लाइकवाइज एक कोई 2 किलोवाट का बंदा है कनैक्शन उनु 1000 रुपया जुर्माना पैंदा सी, जे कोई 10 किलोवाट का सीगा उनु 10000 पै जाता सी और एट द मोस्ट 15000. तो पीपल डू नॉट टेक इलैक्सिटी सीरीयसली. वो कहते सी कोई गल नहीं, एक बार चोरी की तो भर देंगे कट्ठे ही पैसे. लेटर ऑन 2003 एक्ट केम एंड ये जेडे थैफ्ट के नाल अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्सिटी मेजर 2 एक्ट आए, 126 127. दिस इज़ फॉर अपील एट अपील, दिस इज एक्ट फॉर UUE एंड 135 थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एदे च मेजर चेंज की किया इन्होंने, पेनल्टी इंपोज्ड वाज इनक्रीज टू अ ह्यूज अमाउंट. इफ यू गो बाय मेरे ख्याल डिस्ट्रीब्यूशन च है सारे, आलमोस्ट वी आल आर इन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन च किन्ने है, मेजोरिटी इज इन डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ आफ्टर 2003 व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ 126 सेक्शन अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी चार्ज डबल द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर. नॉट मिनिमम मतलब इफ वी कैन नॉट फाइंड आउट द टाइम दैन वी चार्ज इट फॉर 1 ईयर. एंड अगर जो थोड़े चो फ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर है उन्होंने देखा होगा जो 2 या 3 या 4 किलोवाट का बंदा यूजली फटदा फड़िया गया तो ही हैज़ टू डिपोजिट इन लैक्स, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख. एंड देर आर द केसिज वी विल डिस्कस, अ पैप्सिको केस इज देयर, दे आर इम्पोज द प्लेंटी ऑफ 5 करोड़ रुपीज ऑफ UUE ओनली. तो वो की होया कि लोगों ने चोरी घटाती तो UUE के केस कट गए. अदरवाइज जोड़े बंदे चली जाते कि कोई गल नहीं साल च एक बार फड़े भी गए, नहीं तो नहीं भी फड़े जावे तो वह चीज़ घट हो गई. नाउ वट इज़ द एक्ट, एन एक्ट टू कंसोलीडेट द लॉ रिलेटिंग टू जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरली फॉर टेकिंग मेजर कंडक्टिविटी टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, प्रमोटिंग कंपटीशन, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल एरियाज, रेशनलाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग सब्सिडीज, प्रमोशन ऑफ एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटली पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, रेगुलेटरी कमीशन एंड एस्टैब्लिश ऑफ ट्रिब्यूनल. सो दिस इज द बेसिक व्हाट दिस एक्ट इज मीन. Now we will not go on this, you can read through. This is section 126 of the Act, Indian Electricity Act. If on inspection of any place or premises or after inspection of the equipment, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officers come to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgment the electricity charges payable by such person or any person
The ordinary provisional assessment shall be served upon the person in occupation or person or possession or in charge of the place or premises in such a manner may be described. The person on whom it has been served shall be entitled to file the objections, if any, against the provisional assessment before the assessing officer, who shall, after affording the reasonable opportunity of hearing to a person, pass a final judgment order within 30 days. Any person served with a provisional assessment may accept such assessment and deposit assessed amount within 7 days, or if the assessing officer reaches to the conclusion that unauthorized use of electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period which such unauthorized use of electricity has taken place. However, if the period during such unauthorized has not taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to the period of 12 months immediately preceding to the day of inspection. So, एक्ट ने की कहा कि जेड़ी भी असी पैसे पाने हैं किसी भी अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी दे, या तो वो टाइम पीरियड असी डिफाइन कर लेंगे। टाइम पीरियड किवें डिफाइन होएगा? नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल मेड, कंप्यूटर तो पता लग जाएगा, जेड़े स्मार्ट मीटर जिथे लगे उतो पता ही लग जाएगा। वैन वी विल डाउनलोड द डाटा पता लग जाएगा कदों तो वो बंदा कर रहा है। अगर नहीं कर रहा पता लगता कि ही मे बी डूइंग इट फॉर 2 ईयर 3 ईयर वी डोंट नो, तो असी 1 ईयर के पैसे पा देंगे। पीरियड कैन बी लैस आल्सो, बट अगर तो पीरियड डिफाइन हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं पावांगे। नाउ वट इज़ अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी? बाय आर्टिफिशियल मीन्स और बाय मीन्स नॉट ऑथोराइज बाय द कंसर्न पर्सन और ऑथराइज और अथॉरिटी और लाइसेंसी थ्रू अ टेम्पर्ड मीटर और फॉर पर्पज अदर दैन फॉर द यूजेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी for the premises or area other than for which the supply is electricity. So unauthorized use electricity hai ki? Mostly ta ye hai ki je tusi kisi nu electricity supply, we are the only licensee. Jive tuhanu pata hoega state of Punjab ch PSPCL is the only licensee. No other person can sell the electricity na ji. Now we define it. How we define it? How we define? We give him a connection under DS category. We have various categories: DS, CS, then public lighting, SP, MS, LS, AP, railway traction, then bulk supply. Right? So these are the major areas where we can supply. So while signing an A&A agreement, application and agreement form, we should be very clear ke in which category we are to release the connection. Hona chahiye na sanu pata. To usi waqt asi unauthorized use of electricity khatam kar sakde hain agar asi connection theek de diye. Hunda ki hai ke there are some places jithe asi commercial connection nahi de sakde. There are places where we cannot give the commercial connection. But people do indulge in commercial activity and they take the residential connection. Hunda na ji? Koi example de sakde ho? Chandigarh periphery area. Hor bande ne ghar chi dukan khol li, doctor da clinic khol liya, kothi layi, DS da meter lwa liya apne to, utthe hi clinic chala liya. Nahi, oh karde hain hali, thoda time de do mainu. दैन उत्थे उन्हें प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर खोल लिया, उन्हें उत्थे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करती, जिथे उन्हें उदा बोर्ड भी लाएगा ना, कमर्शियल एक्टिविटी तां भी होएगी जो उन्हें बोर्ड लाया कि मैं डॉक्टर हाँ या मैं प्रॉपर्टी डीलर हाँ। दैन वो एरिया उन्हें घर का वह कमर्शियल मीटर साढ़े तो लेना पेगा। राइट? वो करते की हैं लोग, तुसी देखोगे चली जाता है रेजिडेंशियल चली जाता है, एंड वी डू नॉट चैक वेर एवर वो हिस्से च। जे वो बंदा NRS लगाएगा, साडा बेसिकली परपज़ की है? इफ वी टैक ऑफ PSPCL, वट इज़ PSPCL? की है PSPCL? 1, इट इज़ अ जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मेजर की है? PSPCL इज़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। वैन आई से PSPCL इज़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स असी बिजली वेचनी है,
ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਰਿਫ ਕਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਰਿਫ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਯੂਯੂਈ ਦਾ ਯੂਜ਼? ਵੈਨ ਹੀ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟਿਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ? ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਰਿਫ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੇਈ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਹਾਲੀ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਰੁਪਏ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਦੈਨ ਮੇਜਰ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਾਵਰ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਫਾਇੰਡ ਇਨ ਵੈਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਵੀ ਹੈਵ ਐਸ ਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਮ ਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਲ ਐਸ, ਰਾਈਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਕਿਹਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲ ਐਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸ ਪੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ 20 KVA, ਹੈ ਨਾ? ਨਾ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼, ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 22 ਆ ਗਈ, 22 KVA ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਲੱਸ 22 ਕਰ ਲਈ, 23 ਕਰ ਲਈ, 24 ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵਰ ਹੋਲ ਕਰੰਟ ਮੀਟਰ 10/60 ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 30 KW ਤੱਕ ਲੋਡ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਅਗਰ ਇਹਦਾ 24 KVA ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ? ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ 24 KVA ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਇਸ਼ੂ ਹਿਮ ਆ 15 ਡੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਵਧਾ ਲੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਲੋਡ ਵਧਾ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈ 20 KVA ਤੱਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ, 8 ਮਹੀਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, 750 ਰੁਪਏ ਪਰ KVA ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਮ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਫ MS ਕੈਟਾਗਰੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਹਿਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੇਟ ਵੇ ਇਸ਼ੂ ਹਿਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਟਿਲ ਡੇਟ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਧਾ ਲਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਬਲ ਦਾ ਰੇਟ। ਅਗਰ ਐਸ ਪੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 5.5 ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ 32-11 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਡਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ MS ਦਾ ਆ ਗਿਆ, MS ਦਾ ਤੁਸੀਂ 200/5 ਦੇ ਸੀਟੀ ਲਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 112, 115, 120, ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ? ਵੀ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹਿਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਲਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ SDO ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮੇ ਬੀ 10% ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 90% ਨੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦੈਮ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ 120 ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ LS 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੇ LS ਦਾ ਅੱਜ 6.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, 6.20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 5.5 ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ 12.40 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ 2-3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਬਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਇੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗਾਂ, JE1 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ SDO ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, JEE ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ, ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
और जे 5 लाख तो उपर इफ अमाउंट इज अबव 5 लाख दैन 5 मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज ऑफ अवर केयरलैसनैस वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसिज. सो दैट इज वाई वी हैव टू सी के इन विच कैटेगरी अ परसन फॉल्स. पहला तो तुम यही चैक करना है जो कनैक्शन, दैन लेट अस टॉक अबाउट दिस. नहीं मैं दस नहीं this is our schedule of tariff. I wish to discuss this before jumping into directly. Ki keh rahe si question kisi ne kita si ka? Sir, 6 month ya 8 month ya 10th month. It is not like this. The unauthorized use of electricity has to be charged up to the date consumer is indulging in that. And 15 din de notice to baad you can disconnect the connection agar oh nahi manda. Eh nahi hai ki assi ik var check kar rahe ji odon flying ne check kita si. क्योंकि जे आपां अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी के केस भी देखिए ना, इफ वी टेक के 1 मंथ के विच असी फाइनल नोटिस दिता, 1 मंथ तो बाद 1 मंथ उन्होंने टाइम देने अपीलेट अथॉरिटी को जाके, 2 महीने 3 महीने असी अपीलेट अथॉरिटी का टाइम होंगे, 5 महीने उस तो बाद डिसीजन तो बाद 1 महीने बाद उन्हें पेमेंट देनी होंगी है. इट पासिज अनदर 6 मंथ्स. दैट अमाउंट ऑलसो हैज़ टू बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर. बाद चो ऑडिट आके कट देंगे तुम नहीं करोगे तो. सो जब तक कंज्यूमर इज इंडलजिंग इन अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी तद तक वो पैसे पैने ही पैने हैं. एंड अगर वो नहीं मनता, इफ ही हैज़ नॉट गॉन इन सम अपील और लाइक दैट, तो फिर की करना आप 15 दिन का नोटिस दे के उन्हें कनैक्शन कट देना. बिकॉज ही हैज़ टू कम इन द रेलिवेंट कैटेगरी. रूल्स आर वेरी क्लीयर, वी विल लेटर कम ऑन. नाउ एज यू नो आफ्टर 2003 वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हैपन्ड. अवर रेगुलेटर केम. एवरी वन नोज रेगुलेटर. पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी PSERC रेगुलेटरी कमीशन केम इन टू एग्जिस्टेंस. वट आर द पर्पज ऑफ रेगुलेटरी कमीशन वॉज टू डिसाइड द टैरिफ. मेजर पर्पज वॉज टू डिसाइड द टैरिफ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. जे 2022-23 का तो 1 अप्रैल तो लागू हो जाना, उन्होंने अनाउंस कर देना है. द पर्पज इज के उस तो पहला की हुंदा सी, बिफोर दैट इट वॉज अ पोलिटिकल सिनेरियो. जिन्ने मर्जी बिजली का रेट हो जाना, जिन्ना कुछ कोई ARR नहीं. नाउ वी हैव अ चीफ इंजीनियर एट द लैवल ऑफ ARR. ठीक है, इट डिफाइनज के साडा कैलकुलेट तो करिए असी यूनिट किन्ना आ रहा साडा. दैट इज़ द परपज. वो यूनिट आके ARR वाले रिप्रजेंट करते हैं कि साडा एवरेज कॉस्ट यह आ रही है जी, इसलिए आ टैरिफ ला दो. सो दैट टैरिफ इज डिसाइडेड एवरी ईयर बाय द रेगुलेटरी कमीशन ऑफ ऑल द कैटेगरीज. After duly calculating what is our input cost, what is our employee cost, what is our coal cost, and what is our distribution losses, all the losses are included, and then they issue the tariff order. So now in this tariff order, this which was declared for the financial year 22-23, first is LS category. Now all of us knows LS categories, large supply. Jinu hi tusi puchho gaya large supply hai. लार्ज सप्लाई मीनस 100 KV एंड अबव. ये भी सब क्लासिज हैं. कोई दस सकता तुसी केड़ी केड़ी है मेन? जनरल एंड PIU. आर अमलो वाले एक्शन साहब दस रहे हैं, एक जनरल इंडस्ट्री है, एक PIU. नाउ व्हेन द कंज्यूमर कम्स टू SDO फॉर अ कनेक्शन ऑफ 700 KVA, द SDO मस्ट नो के वट इज जनरल एंड वट इज PIU. जे नहीं पता होएगा तो वट विल हैपन? ओ LS जनरल इंडस्ट्री कनैक्शन देगा. लॉट ऑफ केसिज कम्स इन अवर PSPCL
where connections are running as old as 5 year, but when flying visits, it checks it is a PIU. PIU च केड़े केड़े यूनिट होंदे हैं जी? होर यस होर बिलेट हीटर्स अबाव 100 KVA, बिलेट हीटर्स अबाव 100 KVA, देन इंडक्शन फर्नेसेस, क्लोरिक एल्कलीन यूनिट्स, बिलेट हीटर, सरफेस हार्डनिंग मशीन्स, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस, इलेक्ट्रिक बेल फर्नेसेस फॉर अनिलिंग एंड आर्क फर्नेसेस. Every SDO must know this. This is annexure 2 of our tariff order. Every year we pass on the tariff order. Pura tariff order paran di koi load nahi hai tano. What you need to, as a distribution officer, you need to just go through the annexure 2. Ke sada tariff da rate ki hai. Consumer aake puch le ji kinni bijli rate penda hai. Asi ehi kaha dena yaar koi kanda 5 rupaye penda hai, koi 5.5 penda hai. We are not specific. Because we don't try to get the knowledge. Asi kehna ho ta billing ala part hai. Now you see the rate. 6 rupees 5 paisa is 100 to 1000. Above 1000 to 2500, 6 rupees 15 paisa, and above 2500, this is our tariff. And tariff is two part. Everyone knows this thing. One is fixed and one is consumption based. Right? Now fixed charges are 185, 245, and now you see in case of power incentive intensive, 4 paisa, then 25 paisa difference is there in case of 1000 to 2500. Major arc furnaces of 11 kV falls in this category. Then for 2500 kV lag, we have another 22 paisa increase, and the same is the fixed charges and for general industry and this, right? बट एट द सेम टाइम जो थोड़े कोई होंगी कदों है प्रॉब्लम यूजुअली दी जे एस डी ओ नू इग्नोरेंस है एस डी ओ नू पता ही नहीं कि कनैक्शन है कि लाइक अमलो गोविंदगढ़ जिन्हें भी एस डी ओ इधर एरिए है इंडस्ट्रियल एरिए मंडी गोविंदगढ़ खन्ना दैन लुधियाना दैन डेरा बस्सी बैल्ट दे मस्ट नो सानू पहला आप पता होना चाहिए ना कि साड़ी असी कैटेगरी कैटागरी देनी है कंज्यूमर तेन तो पता नहीं है कुछ वो तो आ जाएगा जे उन्होंने जनरल इंडस्ट्री है उन्होंने जो पता लग गया सस्ती है वो तो वैसे ही नहीं बोलेगा कि चलन दो. There was a case of Munish Farjing, we will be discussing later on. उन्होंने 40 लाख रुपया पै गया सिर्फ दिस इग्नोरेंस करके कि दे यूज बिलेट हीटर्स ऑफ 250 kW ओनली एंड दे वर पेनलाइज 40 लाख रुपीज फॉर 127 डेज. सच इज द डिफरेंस बिकॉज टैरिफ न डबल कर देना है जो असी अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी का जुर्माना करना है तो वी डबल द टैरिफ इन रेलीवेंट कैटेगरी. अगर जनरल कैटेगरी देता और होया वो PIU तो ऑटोमैटिकली उन्हें डबल टैरिफ तो भी ज़्यादा पै जाएगा. सो नो हेयर एवरीथिंग इज रिटन द टैरिफ शेड इंक्लूड्स ऑल इंडस्ट्रियल सप्लाई कंज्यूमर्स हैविंग कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑफ 100 KVA इंक्लूडिंग IT यूनिट्स कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन 9/11/15. ऑयल गैस टर्मिनल्स, गैस बॉटलिंग प्लांट, डिपो ऑफ ऑयल गैस कंपनीज, पोल्ट्री गोटरी पिगरी, फिश फार्मिंग, डेयरी फार्म, मेज, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोर, मीटिंग अबव कैटेरिया शैल बी कवर्ड इन दिस शेड्यूल. सो इंडस्ट्री दे विच ए चीज़ा आनी है. जे कोई कॉल सेंटर खोल रहा है दैट विल आल्सो कम अंडर इंडस्ट्रियल कैटेगरी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही IT नू इंसेंटिव दे रहा है. पहला की हुंदा सी 2015 तो पहला पंजाब च जे किसी ने कॉल सेंटर वगैरह या BPO खोले हुंदे सी इट यूज टू कम अंडर NRS कैटेगरी. फिर उन्होंने स्पेशल सर्कुलर किया कि टू प्रमोट दी IT इंडस्ट्री जेड़ा भी कोई कॉल सेंटर खोल रहा है कोई BPO खोल रहा है एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उत्थे प्रोडक्शन हो रही है दैट विल कम अंडर इंडस्ट्रियल कैटेगरी तो उहदे नाल टैरिफ घट जाएगा नहीं तो वट विल हैपन द इंडस्ट्री विल शिफ्ट टू अदर स्टेट्स जिते सस्ता है. देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इन द टैरिफ ऑर्डर ओनली अ सेपरेट NRS कनेक्शन इन द परमिसेस ऑफ LS कंज्यूमर शैल बी परमिशेबल फॉर रेगुलर कंडक्टर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. 81 मीटर अलग लाना है NRS का अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट है
क्योंकि डिस्प्ले यूनिट भी लाए होंगे जिवें लुधियाने जाओ कोई साइकिल पार्ट्स बना रहा कोई साइकिल बना रहा उन्हें अपने उत्थे वेचन लिए भी लगाया होंगे सो फॉर दैट इज़ आलसो अलाउड कि एक असी उन्हों कमर्शल का मीटर लगा सकते हैं जिवें आटा चक्की उन्हें दुकान भी खोली होंगी है नाल ही कैन ऑप्ट फॉर जे कोई वड्डी चक्की हैगी है कि इत्थे मेरा सैलिंग भी इत्थे है तो ही कैन आस्क फॉर अ कमर्शल Now you see the rates, right? These are fixed charges. Now MS category. MS is again the same. Whatsoever industry is covered under LS category, the same is in MS category, provided load should be less than 100 kVA. And in this category also, one NRS connection is allowed. आम तौर पर SGUs नूं पता नहीं हुंदा कहिंदे नहीं यार नहीं आपां तां कमर्शियल दा मीटर लाणा ही नहीं है इंडस्ट्री है हेयर आलसो कमीशन हैज़ अलाउड अस वन NRS कैटेगरी कनैक्शन ही कैन आस्क फॉर राइट नाउ इन दिस केस यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ रेट उत्थे 6 रुपये 9 पैसे सी 6 रुपये 5 पैसे सी इत्थे 5 रुपये 80 पैसे पै गया फिक्स चार्जिज उत्थे 200 कुछ रुपये सी इत्थे 240 रुपये करते 120 रुपये है इत्थे उत्थे 185 तो लैके 250 दे विच सीगा इत्थे 120 रुपये हो गए बिकॉज इंडस्ट्री इज स्मॉलर वन दैन इज़ द SP कैटेगरी सेम नो चेंज बट हुण मैनूं इह दसोगे किसी ने वेल्डिंग सैट लगाया पिंड दे बाहर दुकान ते अंडर विच कैटेगरी इट विल कम वेल्डिंग सैट लाया छोटी लेथ लाई है नो इट विल कम अंडर NRS इट विल कम अंडर NRS कोई वेल्डिंग सैट लाया बार किसी ने या स्मॉल लेथ लाई है इट विल बी रिलीज कनैक्शन अंडर NRS कैटेगरी इट इज़ नॉट SP कैटेगरी हाँ जी हाँ जे कोई प्रोडक्शन है तो ठीक है नहीं तो जे वेल्डिंग सैट ला के गेट ग्रिलों का काम कर रहा है तो वो SP का नहीं है हाँ स्मॉल लेथ मशीन एक अद्धी लाई है उन्हें कोई टर्निंग लिए लगाई है कोई पुर्जा सैट करने लिए लाई है दैन आल्सो इट विल कम अंडर NRS कैटेगरी अगेन अ सेपरेट NRS कनेक्शन इज अलाउड इन द SP कैटेगरी नाउ यू सी द रेट 5 रुपये 80 पैसे तो 5 रुपये 34 पैसे पै गया वाई द कंज्यूमर विल नॉट कम मेरा ये टैरिफ ऑर्डर तुम्हें दिखाने का मतलब यह है 6 रुपये 9 पैसे तो 5.37 हो गया जिदे SP का 24 kVA डिमांड आ रही है वो कहेगा चलन दो बिजली का बिल तो घट रहा है ना 10% बिजली का बिल वह घट गया बंदे का ही विल कीप ऑन डूइंग इट अनलैस और अंटिल यू विल आस्क हिम और यू विल डिक्लेयर हिज केस ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू विल गिव हिम द 15 डेज नोटिस के भाई इस तो बाद नहीं हूँ तेरा कट देना कनैक्शन अस पहला अनऑथराइज यूज का पाओगे नहीं वो डिमांड कट दी 15 दिन का नोटिस आके यू आर टू डिसकनैक्ट और इन्ना कोई भी नहीं होंगे नो कंज्यूमर इज सच आफ्टर ऑल उन्हें अपना काम कर तो चलाने ही है ना जी सो दिस इज़ द डिफरेंस हूँ इतने फिक्स चार्ज सिर्फ 80 रुपये रह गए उत्थे 120 रुपये हैं एंड एक गल होर वैन एवर यू आर टू कैलकुलेट जो यूजुअली द नोटिस हेमंत कुमार बनाना है की करदा वी हैव टू रिवाइज फिक्स चार्जिज आलसो एक तो उसकी कंजम्पशन होगी ना जे SP तो MS का करना है वो 6-12 महीने के फिक्स चार्ज भी 80 तो 120 करके 40 रुपये पर kVA वो भी लेना है इंटू टू डेफिनेटली ये नहीं है कि सिर्फ कंजम्पशन ले लेनी है कंजम्पशन सी जी 100 यूनिट उस तो बाद 1000 यूनिट कंजम्पशन हुई 1000 दे इंटू 2 करता आ भी नाल लेने पैसे बिकॉज दिस इज़ आल्सो अंडर टैरिफ करते हैं आप जनरली इदा कि नहीं मेक श्योर कि असी जो किसी का यूजुअली का नोटिस बनाना है तो फिक्स चार्जिज़ भी डबल करना है अंडर द रेलीवेंट कैटेगरी 80 रुपये पर kVA तो उन्होंने फिक्स चार्जिज भी पै जाएंगे हूँ असी जो अगर डिस्कस करा देखियो कि फर्क पेगा मुनीश फोरजिंग का केस से पहला प्रोविजनल नोटिस तो फिर फाइनल नोटिस जिन्ना उन्होंने प्रोविजनल नोटिस दिता से ना उन्ना अमाउंट तो फिक्स चार्जिज का ही बन गया से
एग्रीकल्चर पंप सेट, नो नीड टू डिस्कस दिस, बट ओनली थिंग इज के अगर कोई बंदा अनऑथराइज यूज कर रहा है तो इट विल आल्सो कम मिस यूज ऑफ एपी सप्लाई प्रोवाइड टू एग्रीकल्चर ट्यूबवेल फॉर अदर पर्पसेज शैल बी डेल्ट एज पर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 126 करेगा फॉलो किवें करेगा दसो कोई दस सकता है कोई पेंडू सब डिविजन तो आया हुए यूजुअली दे किदा पैन के पैसे उन्हों फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने ट्यूबवेल कनैक्शन लाया वो पट्ठे ते काम कर रहा है इट्टा दा लेबर रखी हुई है उन्हें दैट वाटर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ब्रिक किल्न दैट विल बी कवर्ड अंडर ये नहीं है कि एपी सप्लाई फ्री है एपी सप्लाई इज फ्री ओनली फॉर एग्रीकल्चर ही और शी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसिज लाइक ब्रिक किल्न फॉर उत्थे भैया के क्वार्टर बनाए हैं उत्थों बिजली दे रहा है सो आल दैट विल बी डेल्ट विद हाँ जी फिश पोंड का तो कनैक्शन आ गया ना जी दैट इज एस पी एम एस दैट इज आल्सो अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यस डेफिनेटली की वरतद है देखो फिर मैं ये आवांगा फॉर रेजिडेंशियल परपज फॉर डीएस कैटेगरी ओनली 2 BHP मोटर इज अलाउड आइदर फॉर टोका और फॉर वाटर 2 BHP अलाउड है सिर्फ उस तो बाद घर की लोड़ नहीं है रेलिवेंट टैरिफ इज डीएस डीएस च सिर्फ बंदा पानी भर सकता है या टोका मशीन अलाउड है पट्ठे कुरतन लिए उस तो बाद जे कोई मोटर लाई है दैट कम्स अंडर अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह जे एपी की बिजली वो वरत रहा घर लिए पानी भरन लिए तो इट इज प्योर कट केस ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं लोग हुण डेरिया च वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि जे कोई डेरा है ढानी है वो जोड़ा मोटर का रूम है वह अलग होना चाहिए मोटर अलग होनी चाहिए है वेरी क्लीयर अगर वो डेरे के विच ही मोटर है तो यू हैव टू जस्ट गिव हिम 15 डेज ऑफ नोटिस उस तो बाद डिसकनैक्शन है इट इज़ वेरी क्लीयर इन सप्लाई कोड पर ये है ना लागू तो आप ही करना है बाहरों तो किसी ने आना नहीं ये कि आप लागू करते हैं दैट आल ऑफ अस वी नो नाउ शेड्यूल ऑफ टैरिफ फॉर NRS कैटेगरी नॉन रेजिडेंशियल परमिसेस सच एज बिजनेस हाउसेज सिनेमा क्लब ऑफिसेज होटल मोटल मैरिज पैलेसेज हॉट मिक्स रेडी मिक्स प्लांट डिपार्टमेंटल स्टोर शॉप्स गेस्ट हाउसेज रेस्ट हाउसेज रेस्टोरेंट फॉर लाइट्स फैन पंपिंग सैट एयर कंडीशनिंग इलैक्ट्रिक सैट्स वेल्डिंग सैट्स आ गया थोड़ा वेल्डिंग सैट्स स्मॉल लेथ्स इलैक्ट्रिकल ड्रिल्स हीटर्स एक्सेट्रा चार्जिंग स्टेशन जेडे ईवी चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं अजकल एम्ब्रॉयडरी मशीन प्रिंटिंग प्रेस आइस कैंडी मशीन जिथे आइस कैंडिंग मशीन भी लगिया हुई हैं ड्राई क्लीनिंग मशीन पावर प्रेसिस भी लगे हुए हैं स्मॉल मोटर स्ट्रीट लाइटिंग कनैक्शन बाय प्राइवेट कॉलोनाइजर इज वेरी क्लीयर जेड़ा प्राइवेट कॉलोनाइजर ने स्ट्रीट लाइट कनैक्शन दिता है वह पब्लिक लाइटिंग नहीं दे देना वो NRS देना प्राइवेट हॉस्पिटल अदर दैन चैरिटेबल जिन्हें भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं private unaided education institute in schools colleges hostel and residential quarter attached their own where such institution are not covered under ds category telecommunication cellular mobiles and all private sports institute including gyms theek hai ji ye sare apne NRS jaange if a portion of a residential this is very important thoda dhyan de do kai bande mobile hi use kari ja rahe hain kuch nahi rakha mobile ch raat de 11 baje tak ke chalna hai राइट कोई जे इंपोर्टेंट मैसेज आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता अदरवाइज तो कुछ नहीं है 90% तो फेसबुक और व्हाट्सएप ही चलता है यही चलता ना क्यों चैल साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ अ पोर्शन ऑफ रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल परमिसेस इज रेगुलरली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल एक्टिविटी परमिटेड अंडर लॉ द कंज्यूमर शैल रिक्वायर अ सेपरेट NRS कैटेगरी सेपरेट मीटर देना उन्हें चाहे उन्हें डॉक्टर का क्लीनिक खोलिया चाहे उन्हें प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर खोलिया चाहे एनी टाइप ऑफ अदर प्रोफेशनल सर्विसेज ही और शी इज डूइंग इन सच केस टू कनैक्शन
one under DS and one under NRS is permissible. Any of the following activities carried out in residential premises are treated as commercial? Private outpatient clinic, किसी डॉक्टर दा या लैबोरेटरी कोई टेस्टिंग दी है, PCO ये तो अजकल होंगे नहीं, पुराने टाइम च होंगे सी. मिल्क प्रोसैसिंग अदर दैन चिलिंग प्लांट फॉर कमर्शियल प्रोसैसिज, जे कोई उत्थे मिल्क प्रोसैसिंग भी कई घर असी एक बार वो फाउंड इन फेज 7 मोहाली उत्थे मिल्क प्रोसैसिंग ही घर च करी जाता सी, करते हैं. सो दैट कवर्स अंडर कमर्शियल एक्टिविटी. ऑफिस ऑफ एनी प्रोफेसनल सर्विस प्रोवाइडर, कोई आर्कीटेक्ट का ऑफिस है, कोई प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, एनी टाइप ऑफ प्रोफेसनल सर्विस प्रोवाइडेड विल कवर अंडर देन ATM. नाउ यू सी द टैरिफ, क्यों लोग DS-2A यूज करते हैं? सब तो हाईएस्ट टैरिफ है रेगुलर कैटेगरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी. 6 rupees 91 paisa, 7 rupees, 7 rupees 690, देन लोड डिमांड एक्सीडिंग 20 KVA 6 rupees 35 paisa एंड डिमांड एक्सीडिंग 100 इज दिस. नाउ वट कम्स अंडर DS, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि DS आप किनू किनू देना है. कोई मंदिर गुरुद्वारे वाला आंदा SDO को, नहीं जी नहीं तो कमर्शियल कनैक्शन लो, कि लेना चाहिए. हाँ, अगर कोई अप्रूव कोई कमेटी बनी है, कोई महल्ले बनी है, कोई तुहाडी गली च बनी है, कोई मंदिर बनया, कोई गुरुद्वारा, कोई धार्मिक संस्था विच इज़ अप्रूव्ड और सम कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ रिटन, कोई EO ने साइन करता, कोई किसी ने करता, तो दैट विल कम अंडर DS कैटेगरी ओनली. सप्लाई टू रेजिडेंशियल परमिसेस फॉर लाइट फैन, सिंगल थ्री फेज डोमेस्टिक पंप, सिंगल थ्री फेज पंप है देख लो, टोका मशीन नॉट एक्सीडिंग 2 BHP, 2 BHP तो ऊपर टोका मशीन नहीं होनी चाहिए. एंड अदर हाउस होल्ड अपलायंसिस, वेयर अ रूम और अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल इज बींग यूज बाय अ पर्सन फॉर इम्पार्टेड एजुकेशन, ट्यूशन वर्क और कुकरी क्लासेज, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग वर्क, सप्लाई फॉर सच पर्सन शैल ऑल्सो कवर्ड अंडर DS कैटेगरी. जे कोई लेडी घर कपड़े सींदी है या कुकरी क्लासेज देंदी है या ट्यूशन पढ़ाती है, इट विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर DS कैटेगरी, राइट? या कोई ब्यूटी पार्लर छोटा मोटा उन्हें खोलिया, ठीक है ना? सो वाई इट इज़ कवर्ड अंडर DS कैटेगरी, क्योंकि वो अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं. जे उहदे कोल उहनां कोल पैसा होएगा फिर तो वह हैडमास्टर खोलनगे जाके या एलन क्लासेस खोल लेंगे. जे कोई लेडी घर च काम कर ही रही है टू सप्लीमेंट द इनकम, तो लुकिंग इन टू ऑल दिस एस्पेक्ट्स रेगुलेटर हैज़ डन इट के ए असी उहदे च करना है. वैन अ पोर्शन ऑफ रेजिडेंशियल परमिसिस इज रेगुलरली फॉर अ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जे किसी ने कोई बहुत वड्डा बोर्ड लाता कि एलन ट्यूटोरियल है जी मेरा फलाना है, दैन डेफिनेटली इट विल कम अंडर NRS. एंड PG, somebody was talking about PG. देखो पर्पज, वट इज़ द पर्पज ऑफ इट, वॉज ऑल्सो डेलीवरेटेड एट द एंड ऑफ रेगुलेटर. कई केस हो गए, कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म च कई बंदे चले गए, साडा SDO जाता सी ये PG वरत रहा जी, NRS लो. वेर इज वट इज़ द पर्पज ऑफ PG? पर्पज इज लिविंग ओनली. मान लो मेरे को घर है, वो मैं किराए पर देता, 90% देंदे ही है किराए पर, फिर तो वो भी कमर्शियल हो गया. PG ते रेजिडेंशियल च किराए च यही फर्क है कि PG वाले रोटी रुटी अपनी दे देंदे होंगे, फूड विद फूड सर्विसेज, अदरवाइज पर्पज इज सेम. सो PG इज नॉट टू बी चेक्ड, PG आल्सो कम्स अंडर DS कैटेगरी. बट ये नहीं है कि किसी ने भइया के कमरे बनाते या किसी ने कमर्शियल परपज लिए कोई बहुत वड्डी कंपलैक्स बनाता, तो इट विल आल्सो कम अंडर DS, इट विल कम अंडर NRS. जेडे घर घर आलमोस्ट हर महल च PG है, स्टूडेंट पढ़न आ रहा है, तो बड़ी ज़्यादा न्यूसेंस हो गई सी अज तो अराउंड 7-8 ईयर बिफोर ना. हर बंदा ही SDO चकदा सी LCR चल भी इतने तो PG है, इतने तो PG है जी, अखबारों चो लभ लभ के जाते सी PG फॉर रेंट के ना. सो इस न्यूसेंस नू फिर रेगुलेटर ने खत्म किया, एंड इट इज़ अ फैक्ट. सप्लाई टू गवर्नमेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जिमनेजियम, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, कॉलेजेस, ITI इंक्लूडिंग हॉस्टल्स एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर अटैच टू दीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पेइंग गेस्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी,
फॉर डोमैसटिक शैल बी कवर्ड अंडर दिस शड्यूल। ठीक है जी, गवर्नमेंट का कोई स्कूल आ गया उन्होंने डीएस कनैक्शन देना है, गवर्नमेंट का कोई जिमनेजियम आ गया उन्होंने डीएस कनैक्शन देना है। सप्लाई टू होस्टल एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर अटैच विद प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेयर सैपरेटली मीटर शैल बी कवर्ड अंडर दिस शड्यूल। जे प्राइवेट होस्ट तुम दस्या सी प्राइवेट जिहड़े इंस्टीट्यूट है वो NRS लैने आपां लैने है ना, पर जे उन्होंने भी कोई रेजिडेंशियल क्वार्टर या कलोनी बनाई है ना वक्रे तौर पर, दैट विल आलसो कवर बी कवर्ड इन DS कैटागरी। सप्लाई टू सैनिक बोर्ड, सप्लाई टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सिविल डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल रन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, रिलीज ऑफ मोर देन वन कनैक्शन इन द परमिसेज ऑफ डोमैसटिक सप्लाई कंज्यूमर शैल बी एप्लीकेबल एज स्पैसीफाई। एक तो ज़्यादा कनैक्शन भी दे सकते हैं कृपा करके, क्योंकि देखो हुण पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाती 300 यूनिट की बनाती ना जी, हुण मेरे घर के दो पोर्शन है, एक च मैं रहना एक च मेरा भरा रहना, पहला एक मीटर लग्या भी सीगा हुण असी दो लवा ले। पॉलिसी तो हर बंदा फायदा उठाएगा ना जी, एंड मैनू बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि पिछे ही असी एक साडे खन्ने डिवीजन च कोई सब डिवीजन दा आ रहे वो कहिंदा जी मैं रसोई चैक करवाई है ते रसोई ते जिहड़ी सैल्फ है ना वो सीमेंट दी नहीं लगी, इहने लकड़ दी बनाती, एंड ही कंप्लेन टू द हाईएस्ट ऑफ द अथॉरिटी। एक लालड़ू का केस होया सी वेयर आई चैक द कंप्लेंट, वो घर च बंदे दी गली नहीं सी, कहिंदा इन्हें दो पोर्शन तो मीटर तो लवाने जी, यदि पौड़िया के नाल ग्रिल नहीं लगी हुई, पौड़ी यदि नंगी है जी ओपन, वो इन्ना गरीब आदमी सीगा वो घर के अगे स्कूटर भी नहीं जा पाता सी। इट वॉज अ केस ऑफ लालड़ू, दैन वी रिक्वेस्टिड द कंसर्न SDO कि ला दो यार इदा ना करो मीटर, जे तीन पोर्शन बने तीन मीटर भी ला सकते हो, दो पोर्शन बने दो ला सकते हो, ये अपने दिमाग नाल लाना कि गलत तो नहीं ला रहे। जे उहदी किचन अलग है फस्ट फ्लोर की तो सैकेंड ग्राउंड फ्लोर की, देर इज़ नो रीज़न के वी शुड स्टॉप, हुण अगले ने बेनीफिट लैना तो लैना ही है, एवरी वन इज़ देयर। फिर की हो गया, तो फिर तुसी यार देखो ना यार, आप तहसीलदार वाले काम या मर्दन कुमारी वाले काम थोड़ा करने यार, आप गिनने बंदे यार गल नहीं समझे, मेरी गल नहीं समझे, ये तो दो पोर्शन है, एक ग्राउंड फ्लोर है एक फर्स्ट फ्लोर है, फिर तो वी कैन नॉट चैलेंज हिम ना कि एक बंदा रहा है, हो सकता है किराए तो खाली हो गया वह भी ना रहा हो, गल पता की है यार कि कंज्यूमर तो बेचारा है, बेचारा क्यों है वाए, क्यों वो कोई चारा नहीं है, देर इज़ नो सैपरेट लाइसेंसिंग के वोडाफोन वाला गुस्से नाल बोलिया कि चल भी जियो वाले को चले गया, जियो वाला बोलिया तो एयरटेल वाले को चले गया, वी आर दी ओनली लाइसेंसी, वी आर इन मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, स्टिल वी आर अंडर लॉसिज। कभी किसी ने सुनिया कि गोपाल स्वीट्स वाला फेल हो गया, हाली कि वह कंपीटीटर भी है जग्गी स्वीट्स है ना, बट इन केस ऑफ PSPCL वी आर रनिंग इन लॉसिज, द रीजन इज वेरी क्लीयर के अवर इंटेंशन आर नॉट क्लीयर, वी एज अ फैमिली आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जे कोई कनैक्शन लैन आंदा असी तो उन्होंने भेज दें कि इनू देना किदा नहीं है, यही कि दे दिए, असी 5-7 रूल सारे कट लाँगे पहला जिन्हें दिमाग च होणगे कि यार इनू तो इदा नहीं देना यार, वो याद तो करे अगली बार मत्था तो टेके एक बार सवेरे उठ के कि हाँ यार बिजली बोर्ड दा परमात्मा अगे तो पावा पाला पाई इस बार तो मीटर लग गया जिहड़ा इस जन्म च लगना, इको बार ही आऊगा बंदा, नॉर्मली परसन कम्स वंस। सो अवर इज़ अ कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन, मैं पहले ही तुहानू सब नू कह चुका, एंड स्टिल वी ट्राई टू स्टॉप द कनैक्शनस, मतलब इन माई 27 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैं देखा है कि बंदे नू आ रहे लैवल से JEE लैवल से SDO लैवल से वो घरों तैयार होकर मन बना के आते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा बंदे नू वापस क्यों भेजना है, बंदा आ जाएगा हाली 11 ही बजे होंगे
यार आज नहीं यार, कल आई तो नॉर्मल, आज तो बहुत बिजी हाँ मैं भी। भले लोग कल भी तो तू ही करेगा काम, अज ही कर दे यार, बिठा ला उन्हें अद्धा घंटा। दिस इज वट हैपनिंग, प्रैक्टिकली हैपनिंग इन PHPCL। तुम इमेजिन नहीं करोगे, देर वॉज अ केस ऑफ 66 KV कनैक्शन एंड ही वॉज विदाउट दैट कंज्यूमर वॉज विदाउट सप्लाई इन खन्ना। मैं अपने सर्कल की गल कर रहा हाँ जी, ही वॉज विदाउट सप्लाई, ही वॉज हैविंग अ 66 KV कनैक्शन क्लोज टू 10 MW, ही वॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 72 आवर्स बिकॉज ऑफ हिज केबल वॉज इन प्रॉब्लम। ही केबल गॉट डैमेज, देन इट वॉज चेकड, देन अगेन इट वॉज चेकड, केबल वॉज अंडर वारंटी पीरियड। तो जो 72 घंटे हो गए वो सप्लाई चलन गई, दैन आई ऑलसो वॉज आस्क टू रश टू द साइट के कंज्यूमर नो असी करिए, क्योंकि ही इज़ अ बिग कंज्यूमर, ही पेज अस करोड़ ऑफ रुपीज़। तुम इमेजिन करोगे 72 घंटे की बत्ती बंद है, वह बंदे ने बिल्कुल नहीं देखा कि मेरी लाइट बंद है। उन्हें कहा एस सी साहब आ गए, एक्शन साहब आ गए, आओ जी बिठा रहा सानू, कभी चाह पिला रहा, ही इज ऑफरिंग ऑफ बिस्किट्स एंड ऑल दैट, सानू कंफर्ट दे रहा। सो इन्ने साडे कंज्यूमर बेचारे है, आई मीन टू से कि कंज्यूमरस नू तुसी यार पॉजिटिवली आप सब ने लैना है। जे कोई तुहाडे कोल आंदा, महात्मा गांधी जी तो यह भी कह गए कि कंज्यूमर रब का रूप है, लेकिन वी स्टिल डोंट फॉलो दोज थिंग्स। तो इस करके है जिहड़ी छोटी मोटी चीज़ें ना, जे 2 मीटर लाने ला दो यार, अगला सर्विस कनैक्शन चार्जिज दे रहा, सानू पैसे दे रहा, प्रोवाइडेड एज पर रूल्स उन्होंने मिल रहे हैं, है ना। ऐदा कोई भी नहीं है कि आप एक फैमिली कह के मेरे 2 मीटर ला दो इको फ्लोर से, कौन है यार। नहीं चलो गल उही है ना, फिर उस तो बाद मैं कह रहा, वी आर बींग गिवन द सबसिडी बाय द पंजाब गवर्नमेंट, सानू तो पैसा मिल रहा साडा। देखो 100 चो 2-4 बंदे ही होंगे, आई एम श्योर दैन। नहीं नहीं ऐदा कोई नहीं खिंचता यार, यू डोंट गिव द कनैक्शन ना, अगर तुम दिख रहा है कि उन्होंने इको फ्लोर से कर रहे हैं, यू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिजिकल सेपरेशन इज मस्ट बेटा, फिजिकल सेपरेशन करा लो, फिर रहन दो, ना दो मीटर ना, फिर स्टॉप। देखो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर द मीटर, नोबडी कैन स्टॉप। यस यस, दैट इज द बेस्ट आंसर टू इट, के वी हैव टू टेक द डिसीजन। एग्रीमेंट था 18 तो ऊपर। चलो कमिंग बैक टू दिस, रिलीज ऑफ मोर देन 1 कनेक्शन इज अलाउड एज पर सप्लाई कोड, राइट। नाउ यू सी द टैरिफ इज लेस, नहीं यू हैव टू सी द ना, वायरिंग इज सेपरेट फॉर बोथ द पोर्शंस, वायरिंग सेपरेट होगी, देन यू हैव टू रिलीज द कनेक्शन, यू कैन नॉट स्टॉप। हाँ हाँ, बिकॉज इट इज नॉट मेंशनड एनी वेयर के पौड़ी बाहर है के अंदर है। हाँ हाँ हाँ, देखो वायरिंग सेपरेट कराएगा बंदा। हाँ, सो नाउ यू सी द टैरिफ डिफरेंस कितना है, 3 रुपए 4 रुपए, फिक्स चार्जेस आर ओनली 20-35 रुपीज ओनली, देन दिस इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी। चलो हूँ नाउ व्हाट इज बल्क सप्लाई, एनीवन कैन डिफाइन, पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन दो। नहीं ऐसा नहीं, तुक्का ना लाओ, व्हाट इज बल्क सप्लाई, हाउ वी विल डिफाइन के आप बल्क सप्लाई का कनेक्शन देना। हाँ जी, फॉर सब कॉमन पर्पस,
we use nahi nahi what are the conditions 50% NRS is problem but no aisa kuch nahi so the bulk supplies connection tariff is more than DS lesser than NRS basically it is given to the army institutes or where we have to apply the 1 meter with the condition that 25% of the load should be DS general or mixed load exceeding 10 kva to MES military engineering services defense establishment because of some security reason they don't allow ke ghar ghar te tusi aake check karo toda meter reader aaye they will give ke ek baar ek jagah te sanu connection de do so subject to the minimum 25% domestic load and motive industrial load not exceeding 50% agar je 25% domestic nahi hai then what we have to do it will be converted into NRS right jalandhar piche koi jalandhar to hega tode jo jalandhar koi edda hi pakdya gaya si institute ke residential load was not even 10% to he was charged 3-4 crore rupaye onu pe gaya so this is what we should know as an STO as an XN we must know ke je koi yaar bulk supply wala aa gaya ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਅਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੋਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਿਨੀਮਮ 25% ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ MES ਸੈਂਟਰਲ PWD ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਡਵਰਕ ਜੇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਜ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ BS ਟੈਰਿਫ ਇਜ਼ in between DS and NRS sir jadon hai spinning wheel honde ne vadde vaddiyan ene ne todi nu BS kehne ditta hunda haan ji jidda krodiyan wale jidda spinning wheels hundiyan ne spinning wheels hundiyan spinning wheel di haan ji ene ne krodiyan je divide haan definitely utthe ta dena hi hai upar haan definitely tanu main upar pad chuka hai ke agar separate DS utthe hega to we have to give the DS connection अदरवाइज नहीं सेपरेट हैगा तो इट विल आल्सो कवर्ड अंडर द रेलिवेंट इंडस्ट्रियल कैटेगरी एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड रेलवे ट्रैक्शन इज वेरी रेयर जिथे जिथे शताब्दी जा रही है वो सब डिविजन कनैक्शन लिया हुआ है रेलवे ट्रैक्शन इज नॉट इन आल कनैक्शन जिम्मे डेराबसी हो गया आनंदपुर साहब हो गया दैन जलंधर हो गया जिथे जिथे अपनी शताब्दी जा रही है इलेक्ट्रिकल राजपुरा हो गया टेंपरेरी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अद्धे बंद पता ही नहीं होंगे कि असी टेंपरेरी किदा देना किमें टैरिफ चार्ज करना है मोस्ट ऑफ दिस इज ऑफ कोर्स कवर्ड बाय द बिलिंग सैक्शन आल्सो टेंपरेरी शैल बी परमिटेड टू एन एप्लीकेंट एज पर सप्लाई कोड फॉर अ पीरियड एज पर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट बट नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स 2 साल तो ज़्यादा टैंपरेरी कनैक्शन नहीं देना सी किसी को उस तो बाद फिर परमिशन है SC साहब चीफ कमर्शियल दैन एट द बोर्ड लैवल आलसो अगर 2 साल तो ज़्यादा है डिपेंडिंग अपॉन टाइम फिक्स चार्जेज आर 2 टाइम्स ऑफ द रेलिवेंट कैटेगरी टैंपरेरी सप्लाई शैल बी परमिटेड टू डोमेस्टिक एंड नॉन रेजिडेंशियल सप्लाई एनर्जी चार्जेस आर 1.25 टाइम्स ऑफ द हाइएस्ट स्लैब अगर डोमेस्टिकली लेना है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असी NRS कोई बंदा कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है असी उन्हें रेजिडेंशियल का दे दें DS का टैरिफ लगा दें दैन वट हैपन्स अगर इनफोर्समेंट चैक कर दी है तो इट इज़ द केस ऑफ UUE टैंपरेरी कनैक्शन भी असी रेलीवेंट कैटेगरी देना है जे इंडस्ट्री कोई बना रहा है तो उन्होंने इंडस्ट्रियल कैटेगरी टैंपरेरी कनैक्शन देना उन्होंने DS और NRS नहीं देना कि इदा ही दे जा रहे DSC दसो है नहीं नहीं DS नहीं देना अगर कोई बंदा शोरूम बना रहा है तो उन्होंने NRS देना की है वो ठेके तो ठेके केड़ी कैटेगरी जाऊगा लेकिन दे सकते हैं कनेक्शन मतलब टेंपरेरी कनेक्शन NRS कैटेगरी जाएगा नहीं जी अपन दे सकते हैं उथे प्रूफ तो है नहीं मतलब मिश्रो कमेटी की जगह होता मतलब भी उन्होंने खोखा रखा हुआ उन्होंने
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਠੇਕਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਓਸੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਨੋਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੈਟ 1.25 ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਲੈਬ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਟੈਰਿਫ ਫੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਮਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪਰਮਿਟਿਡ ਟੂ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਰ ਦਾ ਲੋਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਲੱਡ ਦਾ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਟੈਰਿਫ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸ ਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1.25 ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਐੱਲ ਐੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਲ ਐੱਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਓਨਲੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਯੂ ਮੇ ਗਿਵ ਹਿਮ ਇਨ ਐੱਸ ਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਵਾਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਅੰਡਰ ਐੱਸ ਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 600 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਵੰਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਓਨਲੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਨ ਦਿਸ ਐੱਨ ਆਰ ਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ, ਦੈਨ ਹੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਅਨੈਕਸਰ 2 ਆਫ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਯੂ ਮਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਵੰਸ ਐਜ ਐਨ ਐੱਸ ਡੀ ਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ, ਰੱਖੋ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 300 ਪੇਜ ਹੋਣੇ, 200 ਕੁਛ ਪੇਜ ਹੈ, 270-80 ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 2 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਕਲੀਅਰ? ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ, ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਮਿਸਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ 0.25 HP ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਏ ਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਡੀ ਐੱਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 2 BHP ਤੱਕ ਟੋਕਾ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਅਰ ਪਲਾਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ?
आज मना कर दो यार, रिफ्यूज हिम, उनको घर बना ला। आई विल गिव यू सिंगल हॉर्स पावर मोटर प्रोवाइडेड यू मेक अ वन रूम, एक कमरा बना ले, है ना जी। सो कमिंग बैक टू अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाउ दीज आर ऑल द मीनिंग ऑफ अनऑथराइज यूज। अज तो पहले की हुंदा सी, एक बड़ा बहुत क्लीयर गल है कि वट हैपनड, असी हाई कोर्ट च सारे ही आलमोस्ट यूजुअली दे वी लॉस्ट मोस्ट ऑफ द केसिस फॉर वन रीजन, दैट अवर असैसिंग ऑफिसर नैवर विजिटिड द साइट। सम कितने असी ये कहता कि इनफोर्समेंट ऑफिसर इज फुली ऑथराइज 500 किलोवाट तो उपर, एस जी ओ इज फुली ऑथराइज 500 तो थले, लेकिन इन यूजुअली केसिस इट इज़ वेरी क्लीयर कि असैसिंग ऑफिसर ऑफिसर मस्ट विजिट द साइट एंड साइन ऑन LCR। हाँ जी मैम, टी टाइम हो गया, बस आगे दो मिनट जाके मैडम। सो कभी भी यूजुअली द केस है, वी विल कम बैक टू दिस आफ्टर टी, कि यूजुअली दे केस से तुसी कोई भी थानू एनफोर्समेंट अफसर LCR दे के जाता है कि यूजुअली दे पैसे बना दो, मेक श्योर कि कंपीटेंट अथॉरिटी विच इज़ SDO अप टू 100 किलोवाट, हु इज़ असैसिंग द अमाउंट, 100 किलोवाट तक SDO साइट ते जाएगा, जाके साइन करेगा। 100 किलोवाट तो 1 मेगावाट तक जो यूजुअली दा केस फड़िया जाता है, दैन एक्शन हैज़ टू गो एट साइट। 1 मेगावाट तो ऊपर SC ऑफ द सर्कल विल हैव टू गो टू द साइट। पहला चीफ इंजीनियर सी, फिर चीफ इंजीनियर का एरिया वड्डा होने करके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नू पावर देती हैं, सर्कुलर आया 2021। तो कोई भी अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का तुसी पेपर डील करना है तो मेक श्योर जो तो पैसे बनाने हैं तो असैसिंग ऑफिसर विल हैव टू गो टू द साइट, राइट। LCR ते असैसिंग अफसर साइन करेगा, नॉट ओनली इनफोर्समेंट ऑफिसर। इनफोर्समेंट ने यूजुअली फड़ाई तो ही विल कॉल यू एट साइट, इंस्ट्रक्शन पास हुई दिया बुलाते हैं ना। हाँ, बिकॉज वी लॉस्ट मैनी केसिज, असी लिख देंदे सी कि असैसिंग अफसर है ये वो, पर कोर्ट तो सिर्फ एक्ट ते जांदा है एंड एक्ट क्लीयरली सेज के असैसिंग ऑफिसर has to visit the premises and he has to approve it, ke haan it is case of unauthorized use of electricity, the reason being the amount charged is in lakhs and in some cases it is crores, right। chal cha pinne hain fir milte hain, jinne bhi notice dena hai kede sir ms to ls jante ne us de vich। However, as per Section 126 of Electricity Act 2003 and provisions under Supply Code 2014, there is no such provision of separate officer for checking, inspection and assessment of charges in usury. And there is no such provision. Because once the Act is made, we cannot tinker it or we cannot change it, because Act is at the highest level. It is passed by the both houses of Parliament, as I have previously said. So it is passed by the Honorable President of India, signed by that. So there is no such provision. So due to this, usually cases where consumer approach the appellate authority or any civil court are being decided against the PSPCL, resulting in revenue loss to the PSPCL. Okay?
The above matter has been deliberated and it has been decided that enforcement officers of enforcement wing will call the assessing officer designated under section 126 on the spot where unauthorized use of electricity has been found. Accordingly, in the cases of Louis, it must be ensured that when officers of enforcement wing calling the assessing officer to inform about Louis, he will personally visit the premises. To company enforcement and therefore assessment issues can be issued by the assessing officer will be SDO in case load is it will be XCN concerned division XCN if the load is 1 megawatt and SCO of the circle if the load is before passing any assessment orders, make sure that assessing officer has signed the report and videography, due videography or photography of the incident has been made. This is also as per the Act. An assessing officer designated as such state government shall suo motu or on receipt of information complaint regarding unauthorized use of the electricity has taken place, shall promptly inspect such place. Again the same thing. This is what we are reading is as per the Act. Right? So, up to 2nd June 2021, these were the assessing officers. Above 1 megawatt, chief engineer of the zone. Up to 1 megawatt, deputy chief engineer and all LT industrial consumer senior action and all other LT SDO used to be the this. Now, as per commercial circular number 29/2021 dated 2nd of June 2021, the assessing officers have been changed. The reason being, like if you take the example of chief engineer south, He or she has a jurisdiction from Laludu at one site near Ambala to Anandpur Sahib at the other, then up to Barnala, Bathinda. So he has a vast area. There is a possibility that one UUV case has been detected at Bathinda, not Bathinda, like at Barnala, and another at Laludu, another at. So to change its officer of the rank of deputy chief engineer has been authorized above 1 megawatt. 100 to 1 megawatt XCN and then 100 up to 100 kVA SDO concerned SDO is the assessing officer. He or she must visit the site as per the load. Now this is commercial number, this again the same thing which I have already explained. Now these are the appellate authorities. This is readable or not? Readable hai ji. Hun theek hai ji. So accordingly the contract demand above 1 MVA appellate authority was our director PSTCL and up to 1 MVA up to 500 to 1 MVA, it was chief various chief engineers of PSTCL, then appellate authority up to 500 was SC and then XCN. If on inspection of the premises, places or after inspection of equipment, gadgets, machines, devices found connected or used or after inspection of the research, the assessing officer come to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall prepare an inspection report inter alia indicating that connected load and load has been used unauthorizedly by such person. The inspection report shall also mention the condition of seals, meters and give details of the evidence substantiating the unauthorized use of electricity. The assessing officer shall wherever possible photograph, videograph the means of unauthorized. Photography
वी ऑल हैव फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इन कैमराज, वी हैव स्मार्ट कैमराज, ठीक है ना, स्मार्ट मोबाइल्स. तो मेक श्योर वाइल डिटेक्टिंग वाइल अप्रूविंग दैट इट इज़ अ केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू आर टू फोटोग्राफ एज वेल एज वीडियोग्राफ इट. क्लियर? इन द एक्ट इट इज रिटन दैट द असेसिंग ऑफिसर शैल, इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश शैल आप क्यों कहने, वट इज द मीनिंग ऑफ शैल, इट इज फॉर श्योर. शैल का मतलब है करना ही है, इट इज कंपल्सरी, यस राइट. तो यू हैव टू वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ. अगर कोई आजकल मैनु नहीं लगता किसी को कैमरा ऐसा होएगा कि मोबाइल ऐसा होएगा जितने वीडियो नहीं चलता होएगा, जो नहीं भी चलता तो फोटोग्राफी तो मस्ट करनी करनी है. वी विल सी लेटर ऑन इन केस ऑफ मनीष फोर्जिंग, इट वॉज वीडियोग्राफ्ड बाय अवर ऑफिसर दैट बिलेट हीटर्स आर वर्किंग. तो इट वॉज प्रूवड बियॉन्ड डाउट कैट इट वॉज अ केस ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पी आई यू यूनिट वॉज डिक्लेयर्ड. द इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर एंड कॉपी हैंडेड ओवर टू द पर्सन एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट एट साइट. इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट अ कॉपी ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड एट कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन आउटसाइड द परमिसेस एंड अनदर सेंड अंडर द रजिस्टर्ड पोस्ट. द इंस्पेक्शन रिपोर्ट मे बी साइंड बाय पर्सन प्रेजेंट एट साइट, राइट. इट हैज टू बी साइंड एंड इट अगर वो रिसीव करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज इट हैज़ टू बी पेस्टिड एंड इट हैज़ टू बी फोटोग्राफ्ड अगेन कि असी इतने नोटिस पोस्ट कर गए. बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज वेरी वेरी लार्ज, अमाउंट इन्वॉल्व इज इन लैक्स मोस्ट ऑफ द केसेज. इफ अनऑथराइज यूज ऑफ से 10 किलोवाट इज डिटेक्टेड द अप्रॉक्सीमेटली 25,000 टू 40,000 पर किलोवाट इज चार्ज इफ यू टेक ऑफ एन ईयर. तो ढाई लाख तो लैके 4 लाख रुपए तक जुर्माना बन जाता है. तो इट इज़ नॉट सो ईजी कि असी किसी कही जुर्माना हो गया वो जमा करा देगा आप ही. तो वी हैव टू कलैक्ट ऑल द प्रूफ्स. द असैसिंग ऑफिसर शैड प्रोविजनली असैस टू द बेस्ट ऑफ जजमेंट दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज पेबल बाय सच पर्सन बेनिफिटेड बाय अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर प्रोफीजर. वैन इट इज कंक्लूडेड दैट अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज टेकन प्लेस द असैसमेंट शैल बी मेड फॉर द एंटायर पीरियड during which the unauthorized use has taken place. If however the period during which the ...12 months. Because here you will get 72 hours. 3 working days you will get to assess the actual amount. And it is also requested here is as we are to pass the penalty to the consumer, make sure it should be correct. There had been the cases I know ke where penalties has been imposed in haste. Fatafat flying wale kehnde ji pa do. You have to check ke whether it is for 12 months, whether it is for more period, whether it is less for 12 months. So you get 3 days. 3 working days tuhanu milde hai inu assess karan layi amount nu. ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ. ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੀ ਆਈ ਯੂ ਫੜੀ ਗਈ, ਯੂ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਆ ਬਿਲਟ ਹੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਆ ਫਰਨੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜੂਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ. ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਫੋਰ 7 ਈਅਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, right? Then consumption of electricity in such case will be computed on the basis of meter reading. However, in case when electricity is used for the purpose other than for the usage of electricity was authorized, that assessment shall be made proportionate of the load used other purpose of the total load. In case where electricity is used for the purposes or the other than those for which the supply of electricity was authorized, then assessment shall be made in proportion of the load extended to other places. Right? Meter reading te le liya tha. Itna bada clear hai ke PAU siga, other PAU da jinna load pe aaya the proportionate paata.
या डी एस का कनैक्शन लिया सी चला रेस्टोरेंट रहा सी बड़ा क्लीयर हो गया रीडिंग ली उन्हों एन आर एस कैटेगरी का ड्यूरिंग द प्रिवेलिंग टैरिफ शुड बी फॉर एन आर एस का डबल का रेट लैके माइनस वह करता। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है वह हॉस्पिटल है घर ही हॉस्पिटल उन्हें खोलिया जेडे उन्हें रेजिडेंशियल है वह लोड लै लेंगे प्लस जोड़ा उन्हें कमरशियल लिया प्रपोर्शनेट पा के कैलकुलेट कर देंगे बाद ठीक है। इफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीटर रीडिंग देन द सेम विल बी कंप्यूटेड ऑन द LDHF फार्मूला राइट। अगर किसी ने असी कंजम्पशन काट ही नहीं सकते फ्रॉम द मीटर रीडिंग देयर कैन बी द केस का मीटर इज डिफेक्टिव देन व्हाट वी विल डू वी विल अप्लाई द LDHF फार्मूला विच इज़ वेरी क्लियर है मेरे ख्याल सबनों पता ही होएगा लोड इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग इंटू आर्ज इंटू अ फैक्टर राइट डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी लाइक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नॉन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस डोमेस्टिक एग्रीकल्चर नॉन रेजिडेंशियल नंबर ऑफ डेज आर देयर एंड दिस आर द एच इज द आर फॉर अ सिंगल शिफ्ट इंडस्ट्री इट इज 8 hours फॉर कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री इट इज 20 hours फॉर कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस 24 hours देन फॉर NRS 12 hours होटल्स 20 hours देन डोमेस्टिक 8 hours देन फैक्टर इन डोमेस्टिक इट इज 30% इंडस्ट्रियल इट इज 60% एंड डायरेक्ट सप्लाई इट इज 100% राइट। द कंज्यूमर शैल ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटेड The consumer shall on the basis of consumption of electricity computed as above shall be liable to pay the electricity charges at the rate equal to twice the tariff applicable। ठीक है जी जे वो डी एस कर रहा सीगा ते NRS च फड़िया गया NRS दा डबल करके माइनस ही हैज़ पेड इलैक्ट्रिसिटी चार्जिज इन आल केसिज ऑफ अनऑथर यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कॉन्टीन्यू टू बी लेविड एज पर सब पैरा टू अबाउ टिल द कास्ट ऑफ अनऑथराइज use of electricity is rectified। जब तक उन्हें अनऑथराइज यूज हटाया नहीं अपना यह नहीं है कि डेट ऑफ चेकिंग तक तुसी पहने टिल द डे टाइम ही हैज नॉट क्लीयर इट तद तक असी पैसे लेने ही लेने। द प्रोविजनल असैसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 3 working days ऑफ द इंस्पेक्शन एंड सर्वड अपॉन द कंज्यूमर इन ऑक्यूपेशन और पोजेशन और इन चार्ज ऑफ द प्लेस। The provisional assessment order shall contain a detailed calculation sheet for arriving the assessment at and shall also specify the provision of the act or the relevant regulation under which UUE has been booked by the assessing order. In case the assessing officer failed to issue the provisional assessment order within stipulated time, he shall be required to record the reason for such. The assessment order should clearly state the date, time and place at which the objection has been submitted along with the designation. The consumer served with the provisional notice within the he will deposit the amount within 7 days। ठीक है जी सो 3 days तुहानू लग गए मैक्सीम टू सर्व द नोटिस। ठीक है उस तो बाद within 7 days he has to deposit। ओके डिपॉजिट और फाइल ऑब्जेक्शंस। अगर ये 7 दिन दे विचो नहीं आंदा तुहाडे नोटिस देने तो बाद देन व्हाट विल यू डू यू विल इशू द फाइनल नोटिस। ओके हुण ये 7 दिन दे विच जे कंज्यूमर तुहाडे कोल आ गया यू विल टेक अनदर 5 days टू हेयर द कंज्यूमर। ओके असैसिंग ऑफिसर ने नोटिस कटना है जे एक्शन है तो एक्शन कटेगा
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਰਡਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਸ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜੀ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਆਫਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਫ ਦ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ 100 to 1000, ਐਕਸੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਦੈਨ ਐਸ ਸੀ ਵਿਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਇੰਡਲਜਿੰਗ ਇਨ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਇਸ਼ੂਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਸੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਐਸ ਡੀ ਓ ਕਰਦੇ। ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ 5 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਅਰ ਕਰਨਾ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਨ ਪਾਸ ਦਾ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਡੇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ 30 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਟੂ ਅਪੀਲ ਅੰਡਰ 127, ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਯੂ ਈ ਹੈ ਉਹ 126 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, 127 ਦਾ ਅਪੀਲਟ ਟੂ ਦੀ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ 30 ਡੇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਲ ਐਨ ਅਪੀਲ ਵਿਦ ਦ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਅਗਰ ਉਹ 30 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੂ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਫ ਐਨੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਬਿਫੋਰ ਦ ਅਸੈਸਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ 7 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਆਰਡਰ ਹੈਵਿੰਗ ਬੀਂਗ ਸਰਵਡ ਅਪੋਨ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਤਾ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦ ਇਨ 7 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਐਂਡ ਇਫ ਨੋ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਡਰੋਪ। Within 5 days from the submission of consumer's reply to the provisional assessment order, the assessing officer shall arrange the hearing of the consumer after due consideration of the fact document submitted by the consumer. If the assessing officer is still of the view that unauthorized use of electricity has taken place, then he shall pass the final order of assessment and reply objection submitted, but both orally and written. Written ch sara kuch karna hai, which later on we will come to the circular. We have 35/21 circular, which is itself has been printed. Reason being, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੋਲਡ ਬਾਏ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਓਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਡਿੰਗ ਸਿੰਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਨ ਲੈਕਸ ਇਨ ਕਰੋੜਸ ਇਨ ਸਮ ਟਾਈਮਸ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੈਜ਼ ਇਨ ਇਸ਼ੂਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੀਲ ਐਵਰੀ ਐਸ ਡੀ ਓ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਐਟ ਹੀਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਟੇਬਲ, ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮੇ ਦੇ ਕੋਲਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਡੂਇੰਗ। ਆਫਟਰ ਡਿਊ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸਬਮਿਟਡ ਦੈਟ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਡੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਨੋਟਿਸ, ਇਨ ਦ ਫਾਈਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਦੈਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਚਾਰਜੇਬਲ ਬਿਫੋਰ ਦ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੈਲੇਂਜੇਬਲ, ਸੋਰੀ। ਸੋ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬਾਏ ਦ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੈਡ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ, 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਅਨਦਰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, 3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, 7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ 10, 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ 15, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ 15 ਤੇ 30, 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਪੀਲਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਲ, ਤੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਫੋਰ ਦੈਮ ਟੂ ਅਪਰੂਵ ਇਟ ਵਿਦ ਇਨ 90 ਡੇਜ਼। Then PSPCL has authorized PSTCL officers, because in the act it is written the appellate authority should not be from the PSPCL, so they have made PSTCL officers as the appellate authorities, and they are made sure tusi bhi eh karna ke je koi UUI da notice hega hai, eh nahi hai ki tusi ohne apply karke tusi bhul jana hai. Agar 30 din de vich 90 din de vich tuhade kol jawab nahi aanda, you have to write the concerned appellate authority ke as per the act
you are supposed to decide in 90 days, kindly do the needful. Naal apne senior nu copy kar do de. So that the issue should be closed at an earliest possible. Any ke latki jaan saala saal. The consumer person served with the final order may accept it, ke chalo main jama kara dena paise, with the distribution licensee within 30 days. The distribution licenses may extend the last date of payment of assessed amount or allow the payment in installments. Installment is allowed. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਓ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਕਸਿਨ ਕੈਨ ਡੂ ਫੋਰ ਦਾ 6 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਸ ਸੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫੋਰ ਦਾ 10 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ESIM. ਅਪੀਲ. ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਅਗਰੀਵਡ ਬਾਏ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਮੇਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 126 ਮੇ ਵਿਦਇਨ 30 ਡੇਜ਼, ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਫੜਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ. ਨੋ ਅਪੀਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਡ ਅਨਲੈਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਅਸੈਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ. 50% ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਯੂ. ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀ ਐਸ ਟੀ ਸੇਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਫੋਰ 5 ਲੈਖ, ਤਾਂ 2.5 ਲੈਖ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਵੇਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਅਪੀਲ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਹਰਡ. ਇਹ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਐਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਉਹਨੇ 50% ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਟੇਟਵੇਅ ਕਿ ਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਰੈਫਰਡ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਅਪੀਲ ਆਫਟਰ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਸ ਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਫ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦਾ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਦੀ ਅਪੀਲੇਟ. ਨੋ ਅਪੀਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾਈ ਟੂ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਰੈਫਰਡ ਇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਮੇਡ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ 2 ਪਾਰਟੀ. ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ. ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਡਿਫਾਲਟਸ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਹੀ ਇਨ ਅਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਅਸੈਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਔਰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ 30 ਡੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ 16% ਪਰ ਐਨਮ ਕੰਪਾਊਂਡਿਡ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥ. ਦੀਜ਼ ਵਾਰ ਦ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੈਨ ਦਿਸ ਐਕਟ ਵਾਜ ਮੇਡ ਇਨ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ. 2003 'ਚ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ. 2006 ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਰ ਆਲ ਐਚ ਟੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ. ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਵਾਰ ਮੇਡ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੋਰ ਅਪੀਲ ਬਾਏ ਆਲ ਐਲ ਟੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਐਂਡ ਫੋਰ ਆਲ ਐਲ ਟੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ 43/2019, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਓਫੀਸਰਸ ਹੂ ਆਰ ਔਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਅਪ ਟੂ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ, ਪੀ ਐੱਚ ਟੀ ਸੀ ਐੱਲ, ਪੀ ਐਂਡ ਐੱਮ, ਐੱਚ ਆਰ ਡੀ ਐਂਡ ਐੱਸ ਐੱਲ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੀ ਐੱਚ ਟੀ ਸੀ ਐੱਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਕਸੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀ ਐੱਚ ਟੀ ਸੀ ਐੱਲ. ਇਹ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਅਪ ਟੂ 2/6/2021 ਤੱਕ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਫਿਰ 29/2021 ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ. ਸੁਪਰੀਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਬਵ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ, 100 to 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਸੀਅਨ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐੱਸ ਡੀ ਓ. ਨਾਓ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਅਬਵ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ, 500 KVA ਅਪ ਟੂ 1 MVA ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, 100 to 500 ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ 100 ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸੀਅਨਸ. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਰਡ ਬਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ ਐਂਡ ਐੱਮ, ਪੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੀ ਐੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ 5 ਜ਼ੋਨਸ, ਸਾਊਥ, ਨੌਰਥ, ਸੈਂਟਰਲ, ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਵੈਸਟ. ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਔਫੀਸਰ ਵੰਡਦੇ.
सिर्फ चीफ इंजीनियर एच आर ते आई टी ते एस एन डी नू बॉर्डर एंड नॉर्थ ईस्ट करके देते, वी हैव ओनली फोर इंजीनियर चीफ इंजीनियर इन पी एस टी सी एल, बाकी पांच एस सी करते, पांच एक्सचेंज करते अकॉर्डिंग टू द जोन। ये क्लीयर है जी हुण तक सारयां नू? अपीलेट अथॉरिटी क्लीयर है? दिस इज द फॉर्म विच दे हैव टू फाइल विद द अपीलेट अथॉरिटीज के अमाउंट वेरीफिकेशन, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द अपीलेट अथॉरिटीज। साड़ी कितने तक पार्ट है? टू इशू द फाइनल नोटिस बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। एक्सीएन, एक्सीएन कितने तक करेगा जी? हु विल बी द असेसिंग ऑफिसर? विच केसेस? वेरी गुड। एंड एस सी 1 megawatt तो, एंड एस डी ओ अप टू 100। वेरी गुड। नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड बाई द अपीलेट अथॉरिटी अनलेस द कंज्यूमर पर्सन डिपॉजिट विद द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एन अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द असेस्ड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिटेड एज पर रेगुलेशन। दिस नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इफ इट हैज बीन पास्ड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। द अपीलेट अथॉरिटी शैल, अगेन शैल, द एक्ट हैज बाउंडेड द अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो। The appellate authority shall within 90 days of the appeal being admitted pass an appropriate order and send copies thereon to the licensee, the assessing officer and the appellant. The order of the appellate authority shall be final. In case of the appellate authority holds that no case of unauthorized use of electricity is established, no further proceeding shall be initiated by the distribution licensees and the amount will be deposited, refunded according along with the refund. So we cannot appeal in any other court. Right? Although a person, aggrieved person who has been declared unauthorized, using unauthorized use of electricity, he can go to the High Court. But against the orders, we cannot go anywhere. PSPCL cannot go anywhere. If the appellate authority is saying that there was no unauthorized use of electricity, we will say okay. But generally that does not happen. It is rare of the rare case. Right? Where a case of unauthorized is established, the consumer shall within 30 days effecting the payment of balance amount as per the appellate order. The person indulging in unauthorized use of electricity shall also be directed to stop such unauthorized use of electricity, failing which the connection again shall be liable to be disconnected. Right? Jado prove ho gaya ki unauthorized use kar raha hai, eh nahi karna ki sada revenue jyada aa raha hai ji, sanu ta double paise de raha hai. स्ट्रेट वे इट इज़ इलीगल, वी हैव टू डिसकनैक्ट द कनैक्शन एंड आस्क हिम के रेलिवेंट कैटेगरी च कनैक्शन लै लो। ठीक है जी? नाउ दिस इज़ द केस स्टडी, दिस इज़ द केस ऑफ मुनीष फोर्जिंग। ठीक है जी? ए इज इट रीडेबल और नॉट? नहीं है? ये 11/6/19 की चैकिंग है जी। ठीक है, हूँ रीडेबल है? दिस इज ओल्ड चैकिंग रिपोर्ट ऑफ MMTS, एल्सवाइल MMTS, पहले MMTS होंदी सी। देखो किन्ने मतलब शानदार ऑफिसर ने, हाउ इट हैज़ बीन डिटेक्टेड वैन MMTS एंड एनफोर्समेंट वर सेपरेट विंग्स। ईवन दो MMTS का जनरल काम यही होंगे ना, डाटे लै ले, उन्हें वो डाटे तो ही डिटेक्ट करके कि ही इज़ यूजिंग PIU लोड, ही हैज़ पैनलाइज्ड द कंज्यूमर एंड वी हैव वन केसिस एनी एवरीवेयर। नाउ मीटर कम्युनिकेशन मॉडम नू SDP सिस्टम नाल सिंक्रोनाइज किया, खपतकार के हाथ विच एक इंडक्शन हीटर मेक प्लाज्मा 250 megawatt लगा है, खपतकार की बिलिंग भी 1/19 अनुसार जनरल टैरिफ अधीन हो रही है। ओके, दफ्तरी रिकॉर्ड को ओके, PSPCL दिया ताज़ा हिदायतों मुताबिक कार्रवाई करनी यकीनी बनाई जाए। क्लियर है जी? हिज सैंक्शन लोड वाज 2900 एंड डिमांड वाज 2495,
वाई 2495 के सप्लाई कोड आने तो पहले 2014 तो पहला 2500 के वी ए तक असी 11 के वी तो देंगे सी हूँ असी 4000 तक 11 के वी दें तो जेडे जिने पुराने उन्होंने प्रोविजनल स्टेट उन्हें तो लोड किन्ना सी पहला दसो वट वॉज द लोड हू वॉज सपोज टू बी असैसिंग ऑफिसर एट दैट टाइम 19 च चीफ इंजीनियर ओके चीफ इंजीनियर नू होना चाहिए सी नाउ यू सी हू इज इशूइंग द ऑर्डर सो वेयर द केस स्टैंड्स मतलब वी डोंट लुक इन टू वी डोंट गो थ्रू द रूल्स वी डोंट गो थ्रू द इंडियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 126 दे जेडे भाई अधीन तुसी नोटिस दे रहे हो तो देख लो कि किने देना है दैट इज़ वाई दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सानू पता होना चाहिए कि किहड़े बंदे ने ऑर्डर देने भी हैं नाउ यू सी ड्यूरिंग द अबव इंस्पैक्शन द फैक्ट ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी हैज़ बीन नोटिस प्लाज्मा लग्या सीगा हीटर खपतकार की बिलिंग जनरल के अनुसार हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ द अबव अनऑथराइज यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी 4,67,000 रुपीज़ तुसी जमा कराओ 7 दिन या तुसी अपीलेट अथॉरिटी को जाओ जदों ये चले गए उस तो बाद देखो कंज्यूमर विल नॉट बी रेडी टू इवन डिपॉजिट 1 पैसा वट टू टाक ऑफ 4 लैख वो कहेगा मैनू क्यों मैं क्यों जमा कराव मैं तो बिल भर रहा उन्होंने तो समझा नहीं पा रहे ना आप दैट्स वाई वैन आई स्टार्टिड द क्लास इट इज़ अवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रायल द कंज्यूमर के यू आर इन दिस कैटेगरी यू अप्लाई इन दिस दैट इज़ द रीजन बंदे नू डीएस कनेक्शन असी देता चाहिए एनआरएस है बंदे नू चाहिए एनआरएस है असी देता इंडस्ट्रियल लाया उन्हें वेल्डिंग सैट सीगा तुसी क्या चाहिए था पिंड च ही है एस पी दे दो वट विल हैपन इफ इट कंटिन्यू टू रन फॉर 2 ईयर्स ही विल हैव टू पे ही विल बी पेनलाइज इन लैक्स ऑफ रूपीज वो छोटा जाए वो तो दुकान ही बंद हो जाएगी सो इन द सेम वे वैन ही वॉज आज टू डिपॉजिट 4 लैख ही अपील्ड अगे देखो की हुंदा ये उन्हें पैसे पाते जिन्ने पैसे पहले 200 किलोवाट दे प्रोपोर्शनल जे पाके 4 लाख अपना पूरा किया बट दीज आर रोंग कैलकुलेशनज आर एबसोल्यूटली रोंग चाहे साइन करते मैं लगता आर ए नहीं किया उन्हें उदा ही बनाव नूं दिता फिर इन्हों पता लग गया कि यार ये तो चीफ इंजीनियर है फाइनल नोटिस तो उन्होंने देना है पता लग जाता ना बिकॉज वी हैव लर्नर्ड ऑफिसर आलसो एयर किसी ने दसता होना कि नहीं जनाब ये तो चीफ इंजीनियर की अथॉरिटी है चीफ इंजीनियर साहब ही करेंगे वट हैपन दैन अमाउंट इनक्रीज टू 40 लैक्स एक बार तो ही मस्ट हैव थॉट के यार वही जमा करा दिता की लोड़ सी वो तो अपने वालों गया सी के नहीं लड़न गया सी केस ये तो कुछ होर ही हो गया बिकॉज फाइनल नोटिस तो असी टाइम देखना राइट फाइनल नोटिस असी टाइम देखना है और क्या उस कैटेगरी का गलत सी तो वी हैव टू डिपॉजिट इट नाउ इन दिस केस यू सी के हाउ मेट्रिकुलसली द अमाउंट हैज़ बीन चार्ज्ड कैलकुलेशन फॉर असेसमेंट ऑफ बनीश फोर्जिंग अमाउंट टू बी चार्ज्ड लोड 250 दिख रहा ना जी अदरवाइज जे पिछे किसी नू नहीं भी दिख रहा ना आई विल सेंड यू द मेल वो तुसी प्रॉपर पढ़ लियो 80% ऑफ द लोड इज 222 किलोवाट डिवाइडेड बाय 0.9 टू मेक इट एज के वी ए बिकॉज अवर टैरिफ इज इन के वी ए फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स वी पे इन के वी ए फॉर द हायर कंज्यूमर्स भी किलोवाट तो ऊपर सारी के वी ए दे है तो वट हैपन्ड 145 डेज इट वॉज डिटेक्टेड अ केस ऑफ यूजुई फिक्स चार्जिज वार 250 प्रायर टू दैट इट वॉज 205 तो 5,37,000 रुपया उन्हें जमा कराना सी उन्हें कराया कितना 2,20,000 3,16,000 रह गया प्लस 20% ईडी आईडी एंड एमटी 63,000 3,80,000 वार केम आउट टू बी एज द फिक्स चार्जेस विच ही हैड टू डिपॉजिट डबल करते ना
250 ਵੈਸੇ ਤਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ 295 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਟੈਰਿਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਐਜ ਪਰ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਨ, 32 ਡੇਜ਼, 29 ਡੇਜ਼, 27 ਡੇਜ਼, KWH ਕੰਜਮਸ਼ਨ ਕੇਮ ਹੇਅਰ, KVH ਕੰਜਮਸ਼ਨ ਕੇਮ ਹੇਅਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕਡ ਵਿਦ ਦਾ MDI, ਵੀ ਨੈਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਕਿ 2400 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ, ਬਿਕੋਜ ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਯੂਜੂਲੀ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਸੋ 100% ਲੋਡ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ ਟੂ ਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 250 ਦਾ ਹੀਟਰ 10 ਕਿੱਲੇਗਾ ਜਾਂ 15 ਕਿੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਰਾਟਾ ਬੇਸ 'ਤੇ 13,000 ਕੰਜਮਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, 57,000 ਦੀ 13,000, 250 ਦੀ ਕੰਜਮਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ ਜੀ। 1481 ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ, ਨੋਟ 2400 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਟੈਰਿਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਬੀ ਚਾਰਜਡ 6 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਇੰਟੂ 2, 12 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ, 5 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, 6 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼, 48,000, 4,86,000 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ PIU ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਬੀਂਗ ਐਨ SDO ਔਰ XN ਓਵਰ ਈਵਨ SC ਆਲਸੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਅਬਵ 1 MW, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, DS ਤੋਂ NRS ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਇੰਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਟੂ ਬੀ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ UUE ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਕੈਨ ਰਨ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਓਨਲੀ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਟਰਡ ਹੈ। ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਔਥਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਅਗਰ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਏ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਉਹਨੇ ਬੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ A&A ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅਮਲਗਮੇਟ ਕਰੇਗਾ ਦੋਨੋਂ, ਔਰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਨਰ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਏ ਪਰਮਿਸਿਸ ਟੂ ਬੀ ਪਰਮਿਸਿਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਔਥਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਿਲ ਕਮ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਕਡੋਨਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਟ। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਈਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਫੋਰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਿੰਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਨ ਫੋਰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਫੋਰ ਐਨਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਸਪਲਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਚਾਰਜਡ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼, ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਨਾਲੋ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਹੈਜ਼ ਕੇਸ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ PSTCL। ਯੂ ਸੀ ਹਾਓ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਾਸਡ, ਅਪੀਲ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 26। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ XN ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਪੀਲ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 126, ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ
In his appeal, the petitioner has pleaded that he has submitted the test report for the extended load on 18-19 and the same should have been released within 45 days. The above claim was refuted by the respondent by placing on record that online portal status of the connection consumer application where the test report was referred back for the want of necessary correction. ठीक है, we had on record. क्योंकि consumer बिल्कुल पूरा तैयार होके आएगा. That is why the reason is के हुने इधर जी देखो एक वीडियोग्राफी होए होएगी, उस तो ही केस है ठुस होएगा. Why videography is important? The petitioner in his appeal pleaded that erection and commissioning of billet heater was carried out in anticipation of the sanction load. वो कहना मैं तो load बताना सी, ये वैसे ही लाया सी. The claim was refuted by the respondent and during the arguments, a case of a video of the apparatus live running at the time of checking was produced to the respondent. ठीक है, एक्शन साहब ने उन्होंने कितनी बढ़िया चेकिंग की थी. उन्होंने ये भी नहीं मौका दिता कि अगर उन्होंने ना रिकॉर्ड की होंगी तो असी केस हार गए सी. दैट इज़ वाई एनी केस ऑफ यूजुअली यू डिटेक्ट यू मस्ट मेक श्योर के उन्होंने आप वीडियोग्राफ करना है, अपने फोन नाल ही कर लो, वीडियोग्राफ कर लो, फोटो तो खिंच ही लो. द पटीशनर प्ली फॉर द चार्जेज ऑफ 5 rupees ही वॉज ऑल्सो डिप्यूटेड. द पटीशनर प्लेडेड दैट अ चेकिंग कैरिड आउट बाय एडिशनल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वॉज रॉन्ग एंड इलीगल ऑन द ग्राउंड. इंस्पेक्शन ऑफ द प्रमिसेस वॉज टू बी कैरिड आउट बाय द असेसिंग ऑफिसर. वही चीज़ आ गई ना. दैट इज़ वाई दैट सर्कुलर हैज़ कम विच आई हैव शोन यू इन 2021 के जी असैसिंग अफसर है, पर इन्होंने रिफ्यूट करता क्योंकि सप्लाई कोड से लिखा हुआ है कि एक्सियन कैन विजिट एनी परमिसिज अबव 100 kW. बट क्योंकि ये तो चलो अपने ही है, इट वॉज इन अवर PSTCL सिस्टम ओनली, दे नो. बट वैन वी द केसिस गो टू हाई कोर्ट और द सिविल कोर्ट्स, दे डोंट रिलाई अपॉन के वट आर दी अथॉरिटीज, दे जस्ट स्टिक टू द एक्ट. एंड इट द इन द एक्ट इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन दैट असैसिंग ऑफिसर विल हिमसेल्फ विजिट द परमिसेस. राइट, डिसीजन. कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव, सिंस इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट पिटिशनर वॉज इंडल्जिंग इन यूजुअली एंड checking has been carried out by the officer of the rank of senior XCN additional SC who is duly authorized by PSPCL to check the premises, the relief sought by the commissioner or petitioner on the ground that checking has not been carried out by the assessing officer cannot be allowed as such, the petitioner plea as per para is rejected. Keeping in view of the respondent dispersed, as the extension of load is yet to be sanctioned, the petitioner pleading considering total load is rejected and amount charged is upheld. ठीक है, so checking was okay, that is why we won. Any question? ना ना, we cannot go anywhere. चलो, that I cannot comment. बट जे अपीलेट अथॉरिटी जो असी हार गए तो वी कैन नॉट गो एनीवेयर. कोई अगे डिसीजन होया उदा? नाउ दिस इज कमर्शियल सर्कुलर नंबर 35/2020. राइट, आई विल रिक्वेस्ट एवरी SDO एंड XCN हु इज इन DS, दिस सर्कुलर शुड बी ऑन हिज टेबल. फाइनल एंड प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर्स हाई कोर्ट, थोड़ा वड्डा कर दूं मैं. Honorable High Court, Punjab and Haryana High Court, in its order dated CWP, has directed to frame the guidelines for the final order of assessment as required to be passed out by the assessing officer and desist from making a final order in the shape of letter. Can they proper dasso? Why High Court has to intervene? High Court kehnda bada clear karo. Eh nahi ke chitthi likho ke aap jinu dassya janda hai inne paise de do. Kade deo bhi. It should be very clear what is the offense of the petitioner. In on what grounds UUE has been declared, whether it has been photographed, what is the load of unauthorized use he has been using. So that is very important. As per amendment, the modified format of provisional assessment is redrafted and metrical compliance of this is being should be done. This is circular number 35/2020.
from designation of assessing officer, right? If it is above 1 megawatt SC, 100 to 1000 XCN, and 100 below SDU, 2, whosoever is there. This is final. First, let me talk about notice of provisional order of assessment for unauthorized use of electricity. From this, you have to write your mobile number, telephone number also, right? 2, provisional notice. Your premises having electrical, and this notice has to be issued right through Punjab. Punjab state ne hi this circular has been made by the issued by the honorable chief engineer commercial after getting the permission of regulator. Your premises having electrical load with account number was inspected by name and designation. Kida naam aayega ithe? Assessing officer da, right? At NARs, date bhi likhni hai, time bhi likhna hai. The reason is only this, ke amount involved is very very high. During the above inspection, the following act of unauthorized use of electricity was noticed. Whether it was PIU or it was wrongly used for the other purpose, it was a DS connection issued, you have used NRS, or it was used at some other place, we are not allowed. So, you have to write it very clear. On the above said unauthorized use of electricity, the following charges of amount are assessed as payable by you. The details of the amount are as under. Detail deoge tusi. Jive oh chief saab di tuhanu case study dikhaya na main. Ke a fixed charges hai, a is tarah charges hai. You are to calculate and show him. You are to attach it on a sheet. You are hereby requested to deposit these charges within 7 days under provision of this to avoid any action. 7 din de vich vich jama kara do tusi inu. Or you may submit objections within 7 days. Nahi hai, 5 days hai, it has been cleared now. Within 7 days of receipt of notice, after analyzing your reply by the assessing officer, you will be provided a personal hearing if required within 5 days. 5 din de vich vich assi tuhanu hearing davange. 7 din de vich vich tusi sanu apna de do. Designation copy is to be sent to chief engineer SC additional AWE. Jede jede officer missing hai na, for example assessing officer is XCN, then he will send a copy to chief engineer SC and AE. Agar ethe SC saab hunda, koi SC hunda ta chief engineer XCN te SDU nu apne aap nu na de ke baki sab nu copyan kar deniyan. Final assessment order. Initial data si onu, odia objections a gaya, then we are to pass the final order. Date of issue of provisional order, date of hearing, date of order. In the matter of consumer name, address and account, brief facts of the case. The premises having electrical connection with account number NA was inspected by this designation of the authorized assessing on date NA, the ECR number NA. The following official and consumer person were present at the time of checking. Sab de naam likhoge. Theek hai? During the inspection, the following act of unauthorized use of electricity was noticed. On account of the above unauthorized use, oh tusi 1, 2, 3 upar likha hai, jede bhi tusi act dekhe. The following amount of rupees NA with provisionally assessed as payable by the consumer, the details of the amount assessed are this. Within 7 days, of this service notice in the office of to avoid further action. In case the assessing officer fails to issue the provisional assessment order within the stipulated, he will write this. Agar provisional notice 3 din to jyada deta na, banda bimar ho gaya, kuch ho gaya, he will made it on record, he will make a record ke main 5 din baad is karke de raha, 2 din liye main bimar siga. If not satisfied with the provisional assessment, consumer was allowed to submit objection if any within 7 days of the receipt. Consumer was also intimated that after analyzing the objection of the assessing officer, designation person if required will be provided 5 days of this. Submission objection of the consumer against the provisional notice. Consumer ne ki kiya, upar a gaya, assi ki kiya, thalle ho a gaya.
The consumer person filed the submission objection against the provisional order on date and at this. Thereafter, the personal hearing was headed. The list of submission, objection and reply. जिवें तुसी चीफ साहब का देखे ना उपर उसी तरह तुसी फाइनल ऑर्डर च भी लिखना है कि आ तेरा ऑब्जेक्शन है आ मेरा जवाब है आ तेरा ऑब्जेक्शन है आ जवाब है एंड आइदर यू विल ड्रॉप इट और यू विल चार्ज द अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन एंड सबमिशन मेड ड्यूरिंग द हेयरिंग एट दिस प्लेस द असेसिंग ऑफिसर हैज द रीच द कंक्लूजन दैट अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज टेकन प्लेस देयर आफ्टर Therefore, this consumer is directed to deposit the final assessment charges calculated as per procedure given in Annexure B and within 30 days of the service of this notice. Final notice de 30 din de vich vich tu jama kara de. If not satisfied, you are requested to go to the appellate authority. Theek hai? As per Punjab government order, jede vi tusi hune main tuhanu dikhaye hain. 2021 26/2021 के आ वाले अफसरों को तू जा सकता है एंड यू हैव टू गाइड द कंज्यूमर आल्सो बिकॉज कंज्यूमर डोंट नो ना के व्हाट इज अपीलेट अथॉरिटी कंज्यूमर आएगा तो फर्स्ट डेस्क या एसडीओ को आएगा या एक्सिन को आएगा तुसी समझाना है ये नहीं कहना कि जी ये तो एससी ने नोटिस कढ़िया यू हैव टू एक्सप्लेन हिम बेसिक तेन नोटिस उतों मिले नाउ दिस इज द अपीलेट अथॉरिटी यू गो देयर और डिपोजिट द अमाउंट और कंज्यूमर न सारिया गल्ला सच सच दसनिया कि भई ये तो जब तक तू अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करी जाएगा तद तक तेरे पैसे पैने ही नहीं है कि डेट ऑफ चेकिंग ते पैसे खत्म हो गए ठीक है ना जी सो कंज्यूमर फिर आपे आप ही जदों उन्हें तुसी समझाओगे हर एक बंदे का फायदा और नुकसान उन्हें पता ही होंदा है कि मैनू तो ये पैसे पई जा रहे हैं तो ही विल इमीजिएटली चेंज इट इमीजिएटली Now this is the other case of PepsiCo, village Channa, Channo, Pavanigad, Sangrur. Provisional order of assessment for electricity is this. Your premises having electrical connection with account number Anna was inspected by Axion Enforcement and Axion MMTS on dated this. During the inspection, Khaptkar da meter Ahata A water recycling plant which laga hai, te us to hone 300 mm di 11 kV cable paake, B, snack division, C, कंसनट्रेट प्लांट नू सरकारी रस्ता क्रॉस करके सप्लाई देती है राइट एक कंज्यूमर का प्लांट सीगा इत्थे तुसी मीटर लाता ये सरकारी रस्ता सीगा उन्हें इधर भी जमीन खरीद ली एक केवल इत्थे पाती एक इत्थे पाती एक ट्रांसफार्मर इत्थे लाता एक इत्थे लाता नाउ यू सी हिज लोड वाज 5 MVA एंड हिज डिमांड वाज 2500 के वी ए ठीक है 2.5 के वी एम बी ए लोड भी विच ही है उदा एक तो होंगे ना लोड बद जाए बंदे का लोड भी उन्ना ही रहा उदा ही वॉज यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी विद इन द सेम वट्स एवर वी हैव अप्रूव्ड बट ही वॉज नॉट सपोज टू पास द सप्लाई टू द अदर वे उन्हें जेडे डेजिग्नेटिड परमिसिस बिजली ली है उत्थे ही वो यूज कर सकता है उन्हें की किया उत्थे नाल जमीन ली केबल पा ली आप ही कि मीटर तो सप्लाई है जिवें आम असी कहने कि मीटर तो ही वरत रहे यार मैं इट इज़ नॉट सो सिंपल एज पर द एक्ट उत्थे ही बिजली तुसी यूज कर सकते हो जिथे लिए तुसी करैक्शन लिया सो अहाते विच एक नंबर 2500 के वी ए का ट्रांसफार्मर भी लगा पी एस पी सेल के हिसाब मुताबिक ये अहाते विच लगे मीटर की सप्लाई सरकारी रस्ते नूं क्रॉस करके बी ए ते सप्लाई सी दे विच लिती है तो जो सप्लाई कोड की उलंघना है तो यूजुई का केस है ये उन्होंने 5,24,26,827 रुपये का ही वॉज सपोज टू बी डिपोजिटिड ये बड़ा परफेक्टली नोटिस कढ़िया जी चीफ इंजीनियर उदों के जोड़े साउथ से उन्होंने कढ़िया प्रोविजनल नोटिस भी उन्होंने कढ़िया नाउ दिस इज़ द फाइनल नोटिस सो इफ यू वॉन्ट टू उदों कमिश्नर सर सीगे डिविजनल कमिश्नर इन्होंने भी बड़ा क्लीयर करता कि नथिंग डूइंग तुहाडे जिहड़े पैसे पे हैं ठीक पे हैं इट इज़ एज पर द एक्ट नाउ दिस इज़ हाउ द चैकिंग वॉज डन दिख रहा थोड़ा बहुत कि नहीं हूँ दिख गया नाउ हेयर ही हैज़
his connection was leased here. Okay? A. This is the government land. सरकारी रास्ता लिखा है ना जी. उन्हें 300 स्क्वेयर एमएम दी केबल पाके दो ट्रांसफार्मर इत्थे लाते, दो इत्थे लाते अगे दी अगे. तो चार पांच टीमां गईयां सी, अहाते ए वाटर रीसाइकलिंग, बी स्नैक डिवीजन ते सी कंसंट्रेट डिवीजन. उपरोक्त अकाउंट नंबर दी चैकिंग NA NA 21-5 दी लगातारता दे विच एनफोर्समेंट 1 एनफोर्समेंट 2 MMTS सारिआं ने कीती. तो नतीजा की पाया कि ही वॉज यूजिंग द सारे देखो कला कला लोड कढ़िया इन्हां ने. दे हैव कलैक्ट कैलकुलेटिड द इंडिविजुअल लोड, अहाते बी का लोड, अहाते सी का लोड. कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जे असी कैलकुलेशन करांगे तां ही सिट्टे ते लगांगे, पैसे तां ही कढ़ांगे ना. इहदे च इन्हां ने कढ़िया कि इन्ना किलोवाट लोड सी ते इन्ना लोड उधर चलता सी, उहदे प्रपोर्शनेटली इन्ना बिजली पहला वरती इंटू टू करता फॉर वन ईयर. सो दिस इज द कैलकुलेशन डन. ए ते सिर्फ 1 MW सी, बी ते 1 MW 2.1 MW ते 1.3 MW 4400 किलोवाट लोड सी. बंदे दा सैंक्शन भी सीगा, पर PSPCL दे हदायतां मुताबिक एज पर द एक्ट इट वॉज नॉट एज पर द रूल. तो ही वॉज चार्ज द फॉर द यूजुअली. नाउ वंस अगेन दिस लेटर हैज़ कम रिसेंटली. I was searching from some group, someone has posted in one of the group. ये पढ़ी है जी लेटर तुसी? हाँ जी, ये लेटेस्ट आई है. हुन जिहड़ा ਜਿਹੜਾ ਯੂਜੂਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ 126, ਇੱਕ 100. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਐਜ ਪਰ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, UUE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਔਥਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਦਾ ਥੈਫਟ ਕੇਸਿਸ. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਥੈਫਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਔਥਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ. ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਟੈਂਪਰਡ ਮੀਟਰ, इन टेम्पर्ड मीटर इट इन द केस ऑफ यूजुअली इट इज़ वेरी क्लीयरली रिटर्न के वैन इट इज़ अ टेम्पर्ड मीटर. चार पांच चीज़ें हैं ना, वैन इट इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पज इट इज़ गिवन, वैन इट इज़ नॉट यूज एट अ प्लेस इट इज़ गिवन. यूजुअली ताई हुंदी है ना. वो कहिंदे टेम्पर्ड मीटर दे जद एक्ट च आ गया, एंड वट वी कंसीडर एज टेम्पर्ड मीटर इज केस ऑफ थैफ्ट. जदों लेकिन चार्जिज असी दोनों च अंडर सैक्शन 126 दे लैने, कैलकुलेशन इज सेम और डिफरेंट? दसो जी. नहीं नहीं, दैट इज़ फाइन, उहदे नाल नो इशू कंपाउंडिंग चार्जिज. वट द सुप्रीम कोर्ट हैज सैड इज एज पर सुप्रीम कोर्ट के जेड़ा चोरी का केस है ना जी 135 का, इट कैन बी आल्सो कंसीडर अंडर 126 एंड द असैसिंग ऑफिसर कैन रिव्यू इट्स हिज और हर ऑर्डर. ए सर्कुलर कह रहा, बाकी सारिया चीज़ा चलनगिया, कंपाउंडिंग भी लेनी है, स्पेशली इन केस ऑफ सम हेयरिंग. देखो अकॉर्डिंग टू इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट that some officers have confusion regarding power of assessing officer in theft of electricity issuing provisional as well as final notice. Normally what we do in 135, under 135, we just give him one notice and disconnect.
क्लियर. ही हैज टू डिपॉजिट द कंपाउंडिंग चार्जेस और ही हैज टू गो टू द कोर्ट. यही करते हैं ना. बट इस केस उन्होंने कहा कि जेडे चोरी के केस भी है ना, दैट इज आल्सो अंडर 126. हालांकि 126 के केस 135 नहीं है. जेडे 126 के केस हैं, इट इज़ नॉट थेफ्ट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेट वे इट इज़ 126. पर कहिंदा 135 के केस हैं लाइक टेंपर्ड मीटर, सिंस इट इज़ रिटन बाय द दिस एक्ट के टेंपर्ड मीटर इज़ टू बी कंसीडर्ड इन 126. तो अगर जे तुहाडे टेंपर्ड मीटर नाल चोरी फड़ी जाती है तो यू कैन असैस द ऑर्डर, असैसिंग ऑफिसर कैन असैस इट अगेन. न किते नहीं कहिंदे लिखिया कि सिर्फ जिहड़ी सिविल कोर्ट है, एक तो वह सज़ा देखती है, प्लस जिहड़ा अमाउंट है इट कैन बी रीअसैस्ड बाय द असैसिंग ऑफिसर. हाँ जी, ना इन केस ऑफ ओनली टेंपर्ड मीटर, टेंपर्ड मीटर डेफिनेटली. बट देन ही विल हैव टू इशू द नोटिस अंडर 126. ही विल हैव टू प्रोसेस इट अंडर 126, बट ही विल हैव टू चार्ज एज ए कंपाउंडिंग चार्जेज आल्सो. नहीं, असैसमेंट तो सेम ही रहेगी ना यार, गल समझ. जेड़ा नोटिस तुसी जे तुसी उनू फाइनल द्वारा असैस करना है, यू फील के देर इज सम मिस्टेक, दैन 126 देंड. करता हाँ, डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर, करना पेगा. वो लिखा है, यही तो उन्हें कढ़िया उन्होंने, बिकॉज दिस इज द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. नहीं आ अगे देखो ना, ये भी उत्थे ही है, ये भी अपने लीगल एडवाइजर ने ही दिती है, सानू सेध दिती है. इट इज़ आल्सो दिस ओनली कि ये साड़ा प्रॉपर पेपर है, ये ऐदा नहीं है. अ प्रूसल ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन एंड द गिविंग कोजॉइंटिंग रीडिंग ऑफ द सेम, इट अपीयर्स टू एज दैट आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्लेस और परमिसेस और एनी कंज्यूमर, व्हेन असेसिंग ऑफिसर कम टू कंक्लूजन दैट कंज्यूमर इंडल्जिंग इन अनऑथराइज यूज, द प्रोविजनल नोटिस इज गिवन. ठीक है, अगे देखो. आफ्टर गिविंग एन ऑब्जेक्ट ऑपरचुनिटी ऑब्जेक्शन फॉर द प्रोविजनल नोटिस इज गिवन, असैसिंग ऑफिसर इज पावर टू पार्ट द फाइनल ऑर्डर. द अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफाइंस अंडर सेक्शन 126. क्लियर है जी. इट इज क्लियर फ्रॉम द अफोरसेड डेफिनेशन दैट अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स. दिस इज ऑल्सो रिटन इन अनऑथराइज यूज द, जो अभी सब तो पहला पेज पढ़िया सी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अनऑथराइज मीन, आर्टिफिशियल मीन्स और बाय मीन्स नॉट ऑथराइज बाय द कंसर्न पर्सन और अथॉरिटी और लाइसेंसी और थ्रू टेंपर्ड मीटर. दिस इज रिटन इन केस ऑफ यूजुअली और फॉर द पर्पज अदर देन फॉर विच यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज, ये तो डी एस सी एस या हो गया, और फॉर द परमिसेस और एरिया अदर देन विद इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑथराइज. ये अनऑथराइज द क्लीयर डेफिनेशन है. आर्टिफिशियल मीन्स हो गए, टेंपर्ड मीटर हो गया, अदर प्लेस हो गया, अदर यूज हो गया, है ना जी. नाउ व्हाट ही सेज, इट इज क्लियर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ सेक्शन 126 ऑफ द एक्ट दैट इंस्टेंसेस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी थ्रू टेंपर्ड मीटर इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन. वो कहता है इट इज़ वेरी क्लीयर कि टेंपर्ड मीटर इज इंक्लूडेड ऑफ अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. If that is so, there is no reason for excluding the power of authorities of the making assessment under section 126 of the act to assess the loss of energy where electricity is used through a tempered meter. ठीक है जी. All instances of unauthorized use of energy may not amount to theft of energy. Clear है जी. But of within the meaning of section 126 of the act, but at the same time the theft of electricity which is covered under section 125 of the act, 35 of the act will fall within the definition of unauthorized use. Oh, kehnda unauthorized sare chori nahi hai, lekin chori sari hoi unauthorized hai. That is why under the act tempered meter or by artificial means it is taken as
अंडर मे बी बाय टेंपरिंग आर्टिफिशियल मीनस ही हो गए ना, कोई मीटर दे विच कुछ लगाता, कोई सम रेजिस्टेंस हैज बीन, हाँ जी हाँ वो भी आर्टिफिशियल होगी, हाँ एनीथिंग, हाँ कुंडी भी आर्टिफिशियल मीन्स हो, सो सो एज पर द सेक्शन 135 विदाउट प्री जजेस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द लाइसेंसी और द सप्लायर एज द केस मे बी अपॉन डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन पावर टू डिसकनैक्ट द पावर इमीजिएटली, वो कहता पावर इमीजिएटली डिसकनैक्ट कर देनी है, एज द केस मे बी अपॉन डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट इज इन पावर टू डिसकनैक्ट द पावर फर्दर एज पर द थर्ड प्रोविजन ऑफ द सैक्शन 135 द लाइसेंसी और मे डिपोजिट द पेमेंट ऑफ द सेस्ट अमाउंट immediately. Further, as per the third provision of the section, the licensee supplier as the case deposit the amount of the assessed or electricity charges without prejudice to the obligation to lodge the complaint within. Thus, it is clear that authorities under the Act are empowered to make a provisional and final assessment by invoking power under section 126(1) even in case of electricity is unauthorized used by the way of theft. You can invoke. Yes, because all theft is unauthorized. Of course, you have to file the FIR. वो सारा कुछ करना है तुसी, compounding करनी है, everything has to be done. But you have been given the power to make the provisional notice if need be. ये नहीं कि इन्हों गलत misuse करना circular नो, not for that. ठीक है ना जी? And this is the decision of the some Supreme Court and it has been duly circulated in all groups. When a consumer deposits the assessment, the licensee or the supplier has to restore the power. The assessed amount referred to the foresaid provision relates to the assessment which is contempted under section 126 of the Act. There is apparent distinction between section 126 and 135 of the Act. Section 126 forms the part of the scheme which authorizes supplier to certain loss in terms of revenue caused to the consumer, caused to it by the consumer by his act of unauthorized use of electricity, where exercise 135 deals with the offense of theft if he is found to have indulged himself in the act mentioned in para 2e of the 126. It is also clear from section 154 of the act which prescribe procedure and power of special court that special court is empowered. If he is found to have indulged, it is clear from section 174 which is prescribed procedure and power of special court that the special court is empowered to convict the consumer and impose a sentence on of imprisonment. The special court in case where a criminal case is lodged is also empowered to determine the civil liability under section 154. ठीक है, court तो liable है ही है कि civil पैसे हो तो किन्ने लेने हैं. In case of civil liability so determined by the is less than the amount deposited by the consumer or the person, the excess amount so deposited by the consumer or the person shall be refunded by the licensee or the concerned person as the case may be. Merely because the special court is empowered to determine civil liability under section 154 where a complaint is lodged, it cannot be said that there is no power conferred on the authorities to make provisional final under this. कहते इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई power नहीं है. According to the basis of the above decision of the Honorable Supreme Court, it is advised that theft of electricity cases under section 135 assessing officer can make provisional assessment, but such cases should be made only under section 126. Clear hai? Haan. वो 126 ही होएगा ना, बिकॉज ऑल थेफ्ट ऑफ केसेस आर अनऑथराइज यूज ऑफ केसेस. नहीं देखो इस नोटिस का मतलब सिर्फ ये है, इसका मतलब ये आउटकम है कि यू कैन मेक यू कैन री इशू द असैसमेंट ऑर्डर, बट एट द सेम टाइम कंपाउंडिंग चार्जेस लेने लेने हैं. पहला की सीगा कि सिर्फ असी उस तो एक बार जो अमाउंट करता सिविल कोर्ट ही पैसे करेगी. हाँ, एफआईआर करानी है ओनली इन केस ऑफ सिविल लायबिलिटी कह रहा है वो, क्रिमिनल लायबिलिटी 135 ही आएगी.
इन केस ऑफ अमाउंट दैन 126 रिवाइज करोगे ना उन्हों हाँ डेफिनेटली 126 इसीलिए इन्होंने कहा है कि तुहाडे कोल ये नहीं है कि एज पर द रूल के जिस जिहड़ी कोर्ट है स्पैशल कोर्ट्स आर ऑथराइज वो तुहानू डिप्राइव नहीं कर रही बट इन मिसयूज नहीं करना एट द सेम टाइम हाँ सिविल लाइबिलिटीज वी आर ऑथराइज अदरवाइज कंपाउंडिंग भी उन्होंने करानी पेगी सारा कुछ उन्होंने बेल करानी पेगी कंपाउंडिंग बंदा ता ही करता ना फर्स्ट टाइम कि उन्हों बेल ना करानी पे कंपाउंडिंग फर्स्ट टाइम ऑफेंस इज कंपाउंडेबल ना ओनली फॉर वन टाइम ये नहीं कि बंदा द्वारा चोरी कर लिया दैन तो देर इज अ केस इन यूटी अ परसन हैज बीन इम्प्रिजन टू 3 years ऑफ इम्प्रिजन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाँ देख लें चलो ठीक है जी दिस इज ऑल ओवर एनी क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी केड़ा वैसे वी कैन नॉट गो एज पर द एक्ट असी जा नहीं सकते पहली गल तो जेडे मेरी गल समझो ना रेयर ऑफ द रेयर केसिस भी होणगे ओ जेडे हुण तुसी देखो पी एस टी सी एल भी अपने ही ऑफिसर है ना जी पी एस टी सी एल दे ऑफिसर मैनू तो लगता नहीं कोई पैसे छड़ देन हाँ बस 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 वो ये हो सकता है कि टाइम पीरियड का फर्क पे आलो ये पा दो सारे यार लिख दो फटाफट लिख दो